नमस्कार आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से दोस्तों हम आपके साथ आ चुके हैं लाइव एक और यहाँ पर धमाकेदार मैच के साथ दोस्तों ये न, ये चौथा मुकाबला है जिम्बाबे प्रीमियर लीग का हरारे बस यहाँ पर कैप्टाउन का के बीच ये मुकाबला है बाईस जुलाई तारीख है दोस्तों बहुत ही सॉलिड मुकाबला होने वाला है कि दोनों टीमें दोस्तों अपना पिछला पिछला मुकाबला हार के आई हैं और देखेंगे कि दोस्तों दो कौन में ऐसी कौन सी टीम दोस्तों आज जीत के साथ अपनी टीम का आगाज करेगी और इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं हम जुड़ेंगे आपके साथ और देखेंगे कि दोस्तों कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारेगी इसी के साथ दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से और दोस्तों देखेंगे कि बस कुछ ही क्षण में यह मैच स्टार्ट होने वाला है मगर उससे पहले हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि टॉस कौन सी टीम ने जीता है प्लेइंग एलेवन क्या है दोस्तों यहाँ पर जो पिच की जो रिपोर्ट है वो किस हिसाब से है मैं आपको सब बताएंगे दोस्तों बस आपका इतना ही काम है आप लोग हमें देखते रहिए सुनते रहिए और जो हमारे चैनल है जो हमारे फॉलो है उसको दोस्तों ज़रूर फॉलो करिए और इसी के साथ दोस्तों हम जुड़ते हैं बस आप देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले हम कोई टॉस की बात नहीं करते हैं तो टॉस दोस्तों यहाँ पर हम बाद में बता देंगे मगर उससे पहले दोस्तों आप देख लीजिए कि हरारे हेरिकन्स की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है दोस्तों हरारे हेरिकेंस की जो यहाँ पर टीम है वो आपके सामने आ चुकी है इससे पहले दोस्तों सबसे पहले अपडेट आपके लिए आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर योन बॉर्कन कप्तान है उसके साथ यहाँ पर रोविन उथप्पा है उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देंगे यहाँ पर जिम्बाबे एक बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं मगर इनको हम साथ में हटा देते हैं मगर उससे पहले हम देखेंगे कि भारतीय तीन खिलाड़ी भारतीय दो खिलाड़ी दोस्तों प्ले इलेवन में खेल रहे हैं इससे पहले दोस्तों एक तो हमारा रॉबिन उथप्पा उसके बाद दोस्तों इरफान पठान यहाँ पर बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज हैं ऑलराउंडर यहाँ पर जो कि इरफान पठान बहुत बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और रॉबिन उथप्पा के बारे में हम क्या बताएं आपको जानते ही कि रॉबिन उथप्पा किस तरह के बल्लेबाज हैं किस दैली बल्लेबाज हैं और किस तरह से दोस्तों आक्रमक के साथ यहाँ पर खेलते हैं मगर यह जानकारी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों और इसी के साथ मैं टॉस के अगर मैं आपको बताता हूँ तो अगर मैं आपको बता दूँ कि टॉस कौन सी टीम ने जीता है मगर उससे पहले आप लोग जो है है उसकी प्लेइंग इलेवन पे एक बार फिर से नजर बना के रखिए दोस्तों और अभी तक यहाँ पर भी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ चौदह पाय चौथे पायदान पर तो समित पटेल आपको उसके बाद दोस्तों मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के एक और बेहतरीन यहाँ पर ऑलराउंडर और आपको जो यहाँ पर जो कि छठे पर देखेंगे इरमान इरफान पठान उसके बाद यहाँ पर जो कि हम बात करें बस यहाँ पर ये और जितने भी आपको बॉलर दिख रहे हैं दोस्तों तो वो युवा बॉलर हैं उनके बारे में आप खा, कुछ खास जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जिम्बाबे की ज़्यादा खिलाड़ी हैं एक भी यहाँ पर खिलाड़ी है दोस्तों तो सब आज में डरमन फैरारियो की आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वो यहाँ पर श्रीलंका के हैं वो यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं मगर देखेंगे कि दोस्तों कि जिम्मा में प्रीमियर लीग का ये चौथा मुकाबला है कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारेगी और उसी के साथ दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि कैप्टाउन कैप्टाउन की जो दोस्तों यहां पर आ चुकी है कैप्टाउन के ऊपर आप नज़र बना के रखिए दोस्तों एक कैप्टाउन का ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और कैप्टाउन का ये होम ग्राउंड है और उसी के साथ आपको बता देंगे कैप्टाउन के होम ग्राउंड में कैप्टाउन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और देखेंगे दोस्तों किस तरह से करेगी इससे पहले कैप्टाउन की प्लेइंग प्लॉइंग आपको बता दें गुरुबाज रहन गुरुबाज क्या बेहतरीन बल्लेबाज है बहुत सुंदर बल्लेबाज है दोस्तों इतनी इ, इस बल्लेबाज के पास इतनी टाइमिंग है ऐसा लगता है दोस्तों क्या बेहतरीन बल्लेबाज है और इसी के साथ में यहाँ पर कैपस जॉल्व यहाँ पर बल्लेबाजी करते दिखेंगे बस कुछ ही क्षण में दोस्तों आप लोगों के सामने ये प्लेइंग देखने को मिलेगी उससे पहले दोस्तों आप लोग हमारे चैनल चैनल को चेनल को फॉलो करिए और अब लाइक करिए वीडियो को और जो भी आपका सवाल है कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि क्या बेहतरीन तरीके से आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए और हम बताएंगे दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल बस थोड़ी ही देर में जो ग्राउंड है और जो प्लेयर है दोस्तों वो ग्राउंड में आते हुए बस थोड़ी ही देर में आपको देखेंगे कैप्टाउन टाउन यहाँ पर ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था जो यहाँ पर कैप्टाउन का जो कल मुकाबला हुआ था तो उसमें यहाँ पर कैप्टाउन को बहुत तगड़ी हार मिली थी और उसके बाद दोस्तों पर हरारे की अगर मैं बात कर लेता हूँ हरा, हरारे भी अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही है तो हम कह सकते हैं दोनों टीमें अपना पिछला पिछला मुकाबला हार के आई हैं तो दोनों टीमों चाहती हैं कि अपनी जो इस कैंपेन है कैंपेन का यहाँ पर शुरुआत हम जीत के साथ आगाज करें तो देखेंगे कि दोस्तों कि आज कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी जो भी टीम दोस्तों इस मैच को जीतेगी वो आगे के लिए जाएगी और जो भी टीम दोस्तों इस मैच को हारेगी उसके लिए कि आने वाली जो इस यहाँ पर लीगें हैं दोस्तों तो उसमें कठिनाई हो जाएगी क्योंकि इसके बाद यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन बेहतरीन मैच होने हैं तो धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर दोनों टीमों के लिए बहुत ही यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ सकता है कि दोनों टीमों में से कोई भी टीम आज हारती है तो इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर हरारे की अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हरारे के जो कप्तान है वो यहाँ पर और uh, इंग्लैंड के यहाँ पर पूर्व कप्तान रह चुके हैं यहाँ पर योन मॉर्गन और उसी के साथ में अगर हम अगर बात करते हैं कैप्टन इसने आर्मी की तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि पार्थिक पटेल इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो कि खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान पर यहाँ पर अगर बॉलर की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉलर दोस्तों यहाँ पर नरंदे नर, नर, नरंदे वेगनार आ चुके हैं दोस्तों नरेंद्र ने पिछली बार यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करी थी मगर उसके बाद दोस्तों दो विकेट भी ले, मिले थे नरेंद्र को मगर देखेंगे कि नरेंद्र किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं जो खिलाड़ी हैं दोनों टीमों के यहाँ पर मैदान में आते हुए उससे पहले यहाँ पर अंपायर यहाँ पर आए हैं मगर देखेंगे दोस्तों किस तरह से बल्लेबाजी को अंजाम दिया जाता है यह बहुत बढ़िया तरीके से कैप्टाउन की टीम देखेंगे किस तरह से यहाँ पर आगा, आगाज करेगी यहाँ पर कोशिश तो यही रहेगी यहाँ पर कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आगाज करिए इसी के साथ में नरेंद्र राउंड द विकेट से गेंदबाजी लाने के लिए पहली पहली बॉल वो भी रमन गुरबाज के लिए यहाँ पर राउंड द आए गेंद पैडो पर लगी अपील करी जा रही है मगर अंपायर ने नकार नॉट आउट है तो ये नॉट आउट ही रहेगा लगवाई का अंपायर से सिग्नल करेंगे इसी के साथ दोस्तों पहली बॉल पर यहाँ पर खाता खुल चुका है यहाँ पर कैप्टाउन का देखेंगे दोस्तों की यहाँ पर जो सामने वाले खिलाड़ी हैं गुरुवास के सामने जो खिलाड़ी है बहुत यहाँ पर आक्रमक चले के बल्ले बात मगर यहाँ पर सोच समझ कर खेलना होगा यहाँ पर पावर यहाँ पर टी ट्वेंटी में अगर बात करता हूँ मैं टी ट्वेंटी की तो टी ट्वेंटी में यहाँ पर छह ओवरों का पावर प्ले होता है अगर उसका कंपेरिजन में टी टेन की अगर मैं बात करता हूँ तो टी टेन में यहाँ से दोस्तों यहाँ पर तीन ओवर का पावर प्ले होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इसी के साथ में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कोई भी आपका क्वेश्चन हो हम लोग पूछ सकते हैं आपको दिखेगा इस मैच में मगर देखा जाएगा क्योंकि तो मैच कौन सी टीम जीतेगी और उससे पहले तैयार है सामना करा जाएगा एक बार फिर से दोस्तों नारादी राउंड द विकेट से आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए सामने जो बल्लेबाज है यहाँ पर झुकायो झुकायो दूसरी बॉल खेलने के लिए तैयार है राउंड द विकेट से पटकी हुई गेंद कट करने की कोशिश पॉइंट के दिशा में खेलने की कोशिश करी गई थी मगर रन लेने का कोई भी मौका नहीं

उतनी ही है दो, दोनों की इस तरह से एक फिर से अराउंड द विकेट पे पटकी हुई गेंद कदमों का इस्तेमाल करके उठा के गेंद को खेला है पीछे खिलाड़ी मौजूद है मगर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता वन बाउंस बेहतरीन चौका में देखने को मिला इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है पांच पर बिना किसी नुकसान पर बहुत बढ़िया तरीके से तो दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी की आगाज हो चुका है यहाँ पर चौकायो ने दूसरी ही बॉल पर अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ एक चौका मारा है इसी चौके के साथ यहाँ पर पांच रन हो चुके हैं विनय से नुकसान पर और इसी के साथ में अभी भी तीन गेंदें बची हैं तीन गेंदों में पांच रन दे चुके हैं आप पंद्रह दे देखेंगे कि तीन गेंदें शीर्ष और कितने रन करेंगे और देखा जाएगा कि यहाँ पर कितने ही जल्द दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा मगर कोशिश यही रहेगी दोस्तों दोनों बल्लेबाजों की यहाँ पर जल्द से जल्द जो रन है वो बनाए जाए और देखेंगे कि आने वाले समय में कितने रन और बनाए जा सकते हैं और इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से राउंड एक बार फिर से दोस्तों मिड में यहाँ पर राउंड गेंद लाते हुए दोस्तों पटकी हुई गेंद यहाँ पर यहाँ पर एंगल के साथ यहाँ पर चली जाएगी छोड़ते हुए विकेट कीपर को भी और बल्लेबाज को भी दोनों बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर कुछ खास काम नहीं कर पाए और दोस्तों आपको बता दें कि वाइड बोनस के पांच रन आते हुए क्या बेहतरीन तरीके से गरीबी में आटा गीला और उसी के साथ में दोस्तों बता दें कि क्या बेहतरीन तरीके से क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों हमें देखने को मिला है और इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर फ्री के फ्री के पांच रन आए हैं फ्री के है पांच रन बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं थी दोस्तों आप, आपको साइड चेंज करने की मगर यहाँ पर जब साइड चेंज करी गई नरेंद्र के द्वारा नरेंद्र ने दोस्तों यहाँ पर साइड चेंज करी और राउंड द विकेट से दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए और तब तक दोस्तों एंगल के साथ यहाँ पर गेंद छोड़ती हुई चली गई मगर देखेंगे कि चार गेंद हो चुके हैं चार गेंदों में यहाँ पर दस रन दे चुके हैं मगर देखेंगे कि दोस्तों नरेंद्र के नरेंद्र के द्वारा किस तरह से वापसी करी जाती है मगर बहुत ही करीबी मामला होगा और देखा जाए जाएगा निर्धारित साठ गेंदों में कितने रन बनते हैं और इसी एक साथ में अगर मैं पांचवी बॉल लेकर तैयार तो है दोस्तों एक बार फिर से नरंदे राउंड का विकेट पटकी हुई गेंद एक और दिशाहीन गेंद एक और दिशाहीन गेंद के साथ हमें व्हाइट बॉल देखने को मिली इसी व्हाइट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा ग्यारह पर किसान किसी नुकसान पर चार गेंद हो चुके हैं तो चार गेंदों में ग्यारह रन दिए हैं तो यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ तो योन मोर्गन अपने गेंदबाजों से अपनी बातचीत करते हुए यहाँ पर थोड़े से दबाव में लग रहे हैं नरंदे मगर देखेंगे कि नरंदे के द्वारा वापसी कब कब करी जाती है अब पांचवी बॉल लेकर फिर तैयार है सामना फिर करा जाएगा गेंदबाज के द्वारा और देखेंगे कि यहाँ पंद्रह रन दे जुकायु सामने है झुकायो दोस्तों तीन गेंदों में चार रन बनाकर खेल रहे हैं और अभी तक इन्होंने एक चौका लगाया है और ग्यारह चार बोलों में पांचवी बॉल लेकर तैयार है पटकी हुई पटकी हुई गेंद दोस्तों राउंड द विकेट से पकड़ों का इस्तेमाल करा बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क हमें देखने को नहीं मिला और दोस्तों गेंद लगी रहकर पैडो पर पैडो पर लगी रहकर अपील करी जाती है मगर ये नॉट आउट रहेगा अब जब तक दोस्तों अपील करी गई दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया आसानी से इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा बारह पर विनाक्स तो नुकसान पर पाँच गेंदों में बारह रन विकेट जो यहाँ पर सफलता होनी चाहिए तो विकेट हमें नहीं देखने को मिल रहा है इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर कमेंट करी गई है या दोस्तों आपका बहुत बहुत अली जान अली जान भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कमेंट करने के लिए आपका हमें व्हाट्सअप नंबर दिया है व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करें क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्योंकि भाई मैं आपको बता दूं अली जान मेरे को उर्दू नहीं आती है भाई इसी के साथ में आखिरी बॉल एक बार फिर से तैयार है नरंदे रमन गुरबाज के लिए पटकी हुई गेंद क्या एक बार फिर से दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के पैडों पे लगी है दोनों बल्लेबाजों के लिए अपील करी गई नरंदे के द्वारा मगर नरंदे ने दोस्तों जो किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं डाउन डा ले गए और उसी के साथ यहाँ पर एक ओवर की समाप्ति पाती है यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर और इसी के साथ में पहले यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो जाएगा तेरा विनक नुकसान पर इसी के साथ दोस्तों बता दें कि बेहतरीन तरीके से रन रेट पर काबू रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को और यहाँ पर टीम का स्कोर दोस्तों यहाँ पर हो चुका है तेरा मगर हम देखेंगे कि दोस्तों की ज्यादातर तो जो रन आए हैं वो यहाँ पर अतिरिक्त रन आए हैं कोई यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के आप स्कोर देख सकते हैं रेहमन उल्ला गुरबाज दो बोलो में एक रन और झुकायों के अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों जो गुरबाज के यहाँ पर साथी खिलाड़ी है तो वो चार गेंदों में चार मतलब यहाँ पर बल्ले से जो रन आए हैं वो मात्र पांच ही रन आए हैं और यहाँ पर अतिरिक्त ज्यादा रन आए अतिरिक्त ज्यादा रन आए हैं वो कैसे मैं आपको बता दूं कि वाइट का पांच रन उसके बाद एक और वाइट मतलब वाइट का छह रन आए हैं मगर देखना है किस तरह से बल्लेबाजी कौन जाम दिया जाता है इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पर जो कि क्रिश पोलोपो दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं राउंड द विकेट से कलिस पोलिपो दोस्तों पटकी हुई गेंद राउंड द विकेट से दोस्तों यहाँ प... पर करीबी मामला हो सकता है बल्ले गेंद का कोई भी संपर्क नहीं मगर यहाँ पर बाल बाल पचेरा अगर रामन उल्ला गुरुवास की अगर मैं बात करता हूँ क्या बेहतरीन गेंद इसी बेहतरीन गेंद गें के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा तेरा पर बिना किसी नुकसान पर और बहुत बढ़िया से गेंदबाजी कर रहे हैं क्रिश पोलोपो दोस्तों जिस तरह से अगर बल्लेबाजी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बल्लेबाजी तो बेहतरीन तल रही है मगर उससे तगड़ी यहाँ पर गेंदबाजी चलती हुई और इसी के साथ यहाँ पर अगली बॉल लेके राउंड द विकेट कदमों का इस्तेमाल करके बॉल लेकर नीचे गेंद लगी गेंद हवा में है मगर और क्या बेहतरीन गेंद हवा में रहते हुए बेहतरीन चौका हमें देखने को मिल रहा है गुरुआ रहमन उल्ला आज बिल्कुल यहाँ पर पावर प्ले का क्या बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है दूसरी बॉल पर यहाँ पर चौका हमें देखने को मिला है इसी चौके के साथ टीम का, का स्कोर हो जाएगा सत्रह पर बिना किसी नुकसान पर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए रहमानल्ला गुरुआ चार बॉलों में दोस्तों पांच रन बनाकर खेल रहे हैं अगर उनके साथी खिलाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों जोकायो जोकायो चार बोलो में चार रन बनाकर खेलते हुए इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो कि तीसरी तस, तस, बॉल लेके आते हुए दोस्तों क्रिस पोलो को और तीसरी बॉल दोस्तों लो फुल टॉस पर गेंद को खेला है दोस्तों एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मगर एक्स्ट्रा कवर में दोस्तों तैनात थे यहाँ पर योन मॉर्गन योन मॉर्गन यहाँ पर रन लेने का मौका नहीं देंगे और योन मॉर्गन लगातार अपने गेंदबाजों से यहाँ पर बातचीत करते हुए किस तरह से यहाँ पर गेंद रखनी चाहिए विकेट कीपर भी दोस्तों यहाँ पर बातचीत करते हुए और इसी के साथ में आपको रहमान गुरबाज पांच गोलों में दोस्तों पांच रन बनाकर खेलते हुए और देखेंगे कि तीन गेंदे हुई हैं तीन गेंदों में चार रन आए हैं तो लास्ट के तीन गेंदे हैं तो तीन गेंदों में कितने रन और बनाए जा सकते हैं इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से राउंड द विकेट से खेला है दोस्तों उठा के खेला है स्कोर दिशा में क्या एक और चौका होगा दोस्तों पीछे खिलाड़ी मौजूद है मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ता खिलाड़ी मौजूद है नहीं मौजूद है और एक और चौका में देखने को मिला इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा इक्कीस पर बिना किसी नुकसान पर क्या बेहतरीन तरीके से रमन गुरबाज जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है और दोस्तों नाम नहीं काम बोलता है तो इसी के साथ आपको बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है इक्कीस पर से नुकसान पर रैमन गुरबा छह बोलो में दोस्तों रन बनाकर खेल रहे हैं और वहीं जुकाइयों की अगर मैं बात करता हूं तो जुकाइयों दोस्तों चार बोलों में चार रन और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर चार गेने हुए चार गेनो में इक्कीस रन बन चुके हैं मगर देखेंगे कि क्रिस पोलू को किस तरह से यहाँ पर वापसी करी जाएगी लगातार दोस्तों व्हाइट बॉल करी जा रही है इसी के साथ में एक बार फिर से राउंड द विकेट से तैयार है एंगल के साथ दोस्तों ये व्हाइट बॉल हो जाएगी और यहाँ पर व्हाइट बॉल अंपायर दोस्तों और शाहरुख खान के स्टाइल में यहां पर व्हाइट का यहाँ पर इशारा करेंगे और इसी व्हाइट का चलते दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा वाइट पर बिना किसी नुकसान पर अभी तक यहाँ पर चार गेने हुई हैं चार गेनो में आपको बता दें कि नौ रन दे चुके हैं काफी महंगा ओवर होने वाला है पिछला ओवर इनका अगर पहले ओवर की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला ओवर दोस्तों वी तेरह रन का था और ये ओवर अब तक नौ यहाँ पर नौ रन आ चुके हैं अभी भी दो गेंदें बची हैं और इसी के साथ दोस्तों तैयार है अगली बॉल लेकर तैयार है एक बार फिर से पिछली बार जो अभी तक चार गेंदें करी हैं वो राउंड द विकेट से थे करी करी थी और अब ओवर द विकेट से आए हैं दोस्तों अपनी साइड को चेंज कराई पटकी हुई गेंद उठा के खेला है दोस्तों पीछे खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर की तरफ जा रही है गेंद और एक बता दू दोस्तों गगन चुम्मी छक्का काफी गेंद ऊंचे गई थी दोस्तों ऐसा लग रहा था कि गेंद यहाँ पर पकड़ी जाएगी मगर यहाँ पर पकड़ी नहीं दोस्तों दर्शकों ने आखिरकार गेंद को पकड़ा और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दर्शकों को फील्डरों में तब्दील करा क्या बेहतरीन छक्का में देखने को मिला इसी चक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा अट्ठाईस पर बिना नुकसान पर अभी भी एक गेंद बची है रेहमन उल्ला गुरबा सात बोलों में पंद्रह रन और यहाँ पर रमन गुरबाज का बल्ला क्या बेहतरीन तरीके से बोल रहा है इसी के साथ हम में आखिरी बॉल लेकर तैयार हैं सामने आखिरी बॉल को देखेंगे किस तरह से खेला जाएगा अभी तक पंद्रह रन दे चुके हैं पिछला ओवर जो तो यहाँ तक रहा था वो यहाँ पर तेरह रन का रहा था दोस्तों और ये रन पंद्रह रन का रहा है इसी के साथ हम पर आखिरी बॉल पर एक रन हमें और देखने को मिलेगा इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से उनतीस पर दो ओवर की समाप्ति और दो ओवर के साथ तीन का जो स्कोर रहेगा वो उनतीस पर बिना किसी नुकसान पर अगर मैं अगर हरारे की अगर मैं बात करता हूँ तो हरारे को दोस्तों विकेट ये साझेदारी तोड़नी पड़ेगी यहाँ पर विकेट निकालना होगा अगर विकेट निकलेगा तभी दोस्तों मैच में बनेगा वरना हरारे की टीम दोस्तों इस मैच से ये फिर से यहाँ पर निकल जाएगी तो विकेट है तो विकेट देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर गेंदबाज निकालता है और विकेट बहुत जरूरी है तो विकेट आएगा सिक्स रन में यहाँ पर आखिरी बॉल पर दोस्तों सिंगल सिंगल लिया गया था तो सिंगल के साथ जो यहाँ पर गेंद बल्लेबाज है दोस्तों तो बल्लेबाज जो स्ट्राइक है वो यहाँ पर रहमन गुरबाज के पास ही रहेगी और देखेंगे कि यहाँ पर अगला ओवर कौन सा लेकर आता है यहाँ पर वो गेंद है वो यहाँ पर यून मॉर्गन के पास है देखेंगे कि यून मॉर्गन किसको गेंद देते हैं और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि हाँ पर यून मॉर्गन दोस्तों एक बार फिर से नरेंद्र के पास जा रहे हैं और नरेंद्र देखेंगे कि यहाँ पर नरेंद्र का पहला ओवर तेरह यहाँ पर तेरह रन का गया था तेरह रन का ज़रूर गया था मगर देखेंगे यहाँ पर किस तरह से वापसी करी जाएगी नरेंद्र के द्वारा इसी के साथ दोस्तों नरेंद्र तैयार हैं फील्डिंग में तब्दीली करी जा रही है लॉन्गौन के खिलाड़ी को पीछे वाला पीछे खेजा जा रहा है और यहाँ पर जो कि थर्डमैन का खिलाड़ी है उसको टीस के सर्कल में लाया जा रहा है मगर देखेंगे कि, कि किस तरह से इसी के राउंड द विकेट तैयार है दोस्तों लोग अगेन तो यहाँ पर खेलते दोस्तों रन लेने की कोशिश और दोस्तों करीबी मामला हो जाएगा और डायरेक्ट हिट के साथ दोस्तों रन आउट यहाँ पर रन रन लेने का मौका नहीं था और दोस्तों बता दें कि जान जोखिम में लेकर भाग गए थे रहमान गुरबाज मगर रहमान गुरबा दोस्तों सेफली पहुंच चुके थे मगर उनके साथ ही जो खिलाड़ी हैं वो नहीं पहुंच पाए और उसी के साथ दोस्तों यहां पर विकेट तो है विकेट की दरकार है गेंदबाज ने विकेट नहीं निकाला मगर फील्डरों ने दोस्तों आखिरकार है अपना बेहतरीन फील्डिंग के साथ में एक यहाँ पर विकेट निकाला है यहाँ पर रन नहीं था रन बिल्कुल नहीं था भाई लोगों मैगर अब जो जो भी आप लोग देख रहे हैं रन नहीं था मेरे हिसाब से रन बिल्कुल नहीं था और आपको बता दें कि यहाँ से रहमन उल्ला गुरबाज ने लो फुलटॉस को यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करके लो फुलटॉस को खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और एक्स्ट्रा कवर एक्स्ट्रक यहाँ पर तैनात थे मैंने जल्द से मैं आपको बताया कि यहाँ पर यॉन मॉर्गन यून मॉर्गन ने गेंद को जल्द से फील्ड करा डायरेक्ट हिट के साथ दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग एंड पर यहाँ पर माफ़ी चाहूंगा तो कीपर एंड पे यहाँ पर गेंद को थ्रो करा और डायरेक्ट हिट लगी और जब जब डायरेक्ट हिट लगती है तब तक दोस्तों करीबी मामला होता है इसी के साथ आपको बता दें कि पहला विकेट गिर चुका है और जो नए बल्लेबाज आए हैं वो नए बल्लेबाज भानुका राजपक्षा श्रीलंका के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज टी ट्वेंटी बल्लेबाज में इन्होंने काफी नाम कमाया है और टी ट्वेंटी में दोस्तों ये सातवें या आठवें पाजान पर आते हैं रैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो भानुका राजपक्षा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और इसी के साथ में अगर मैं बात करता रहूंगा भानुका राजपक्षा की तो वन का राजपक्ष ने यहाँ पर जो पहली गेंद खेलने के लिए तैयार है लेकिन नरेंद्र किस तरह से वापसी करी जाएगी नरंदे की नरंदे यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी एक बार कह सकते हैं कि नरंदे अपना दूसरा ओपर बहुत ही किफायत कर सकते हैं और अगर मैं बात करता हूँ इसी के साथ में यहाँ पर उनतीस पर विकेट का नुकसान हो चुका है इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर नरंदे राउंड द विकेट से माफी आप चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर ओवर द विकेट से गेंद लेकर आते हुए यहाँ पर जो कि अनुका राजपक्षा के लिए है वनुका राजपक्षा देखेंगे किस तरह से गेंद को खेलेंगे और इसी के साथ में अगर बात करूँ अली जान भाई अली जान भाई आपको बता दें कि आप ये क्या लिख रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है मेरे क्योंकि मैं आपको बता दू की ये उर्दू है भाई उर्दू समझ में नहीं आती आप हिंदी इंग्लिश जो भी चाहे वो लिख सकते हैं मगर उर्दू को छोड़ दीजिए इसी के साथ पर पर एक बार फिर से से द विकेट तैयार है है गेंद गेंद करीबी मामला अपील करी गई मगर अंपायर ने एक बार फिर से नकारा ऐसा लग रहा है कि अंपायर यहाँ पर हरारे की टीम के साथ ना खुश हैं यहाँ पर कुछ कहा सुनी हो गई और जितनी भी अपील करी गई यहाँ पर सबको अंपायर ने नकारा है उसी के साथ में आपको बता दी कि टीम का स्कोर यहाँ पर एक रन के साथ यहाँ पर तीस पर हो जाएगा पहली बॉल पर पैडो पर यहाँ पर खेला मारा गया था दोस्तों नरेंद्र के द्वारा राजपक्षा की और पहली बॉल पर हमें सिंगल देखने को मिला इसी सिंगल के साथ टीम को तीस पर एक विकेट के नुकसान पर रेमन से नौ बॉलो में सोलह बनाकर खेल रहे हैं उसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ वनका राजपक्षा की तो वनका राजपक्षा अभी भी आए हैं देखिए यहाँ पर जो तो विकेट का दबाव है पर के हमें का क्या साफ तोड़ते हैं उसी के साथ नरेंद्र तीसरी बॉल लेकर तैयार है कदमों का इस्तेमाल करके दोस्तों खेला है एक्स्ट्रा कवर के जिता में मिस के चक्कर में आसानी से एक रन हमें देखने को हमेंगे राजपक्षा तैयार हैं है। अपने अपने पारी के दूसरी बॉल खेलने के लिए और राउंड दिकेट दोस्तों नरेंद्र यहाँ पर गेंद को लाएंगे वनुका राजपक्षा के लिए वनुका राजपक्षा की अगर मैं बात करता हूँ तो वनुका राजपक्षा अभी तक खाता नहीं खोल पाए अपना और दोस्तों अगर मैं रमनुल्ला गुरुबाज की अगर मैं बात करता हूं तो रहमन उला गुरबाज दस बॉलों में सत्रह रन बनाकर खेल रहे हैं मतलब इससे एक सौ सत्तर के स्ट्राइगर से लगातार यहां पर बैटिंग गेंदबाजी चल रही है गेंदबाजों के द्वारा पिछला ओवर दोस्तों अगर मैं सबसे पहले ओवर की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले ओवर में तेरह रन उसके बाद जो तो दूसरा ओवर फेंकने आया था दूसरे ओवर में हमें देखने को मिले दोस्तों सोलह रन और अब दोस्तों अभी तक यहाँ पर जो कि अभी तक यहाँ से जो तीसरा ओवर पेगा जा रहा है पावर प्ले का तो उसमें अभी तक यहाँ पर दो की चार गेंदों में दो ही रन देखने को मिले हैं मगर देखेंगे दोस्तों कि पांचवी गेंद कहाँ करते हैं और पांचवी गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर नरेंद्र की कोशिश यही रहेगी यहाँ पर जल्द से जल्द जो यहाँ पर ओवर है उसको समाप्त करा जाए इस एक एक और फिर से राउंड द विकेट तैयार है गेंद लाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कि गेंद गुड लेंथ पे थी दोस्तों पैरों पार, पर यहाँ पर कट गए स्कोर लेके जैसे हमें खेलने की कोशिश मगर गेंद गई गें यहाँ गें गें पर पैरों पर और यहाँ पर एक और रन हमें देखने को मिलेगा इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा बत्तीस पर एक विकेट के नुकसान पर अभी भी दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर वानुकार आज पक्षा तीन बोलो में एक रन बना के खेल रहे हैं उसी में रेहमन उल्ला गुरुवाज के पास स्ट्राइक आ चुकी है और रेहमन उल्ला गुरुवाज देखेंगे किस तरह से गेंदबाजी करेंगे और इसी से इसी के साथ दोस्तों आपको बता दिया जाए कि आखिरी बॉल खेलने के लिए तैयार है नाराणे वन का राजपक्षा तो दस बॉलों में दोस्तों सत्रह बनाकर खेलते हुए और बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी अगर मैं आपको बता दूँ की आपको कैप्टाउन के बल्लेबाजों को रोकना है इसी के में अगली बॉल नारान तैयार है लो फुल टॉस दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करा लो फुल टॉस को फुल टॉस में यहाँ पर पूर्ण करा और यहाँ पर लौंग के ऊपर से लोंगौन का खिलाड़ी पीछे मौजूद था मगर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और क्या बेहतरीन छक्का मरहमन गुरवाज रहमान गुर माशाला तरीके से दोस्तों बोलता हुआ बिल्कुल यहाँ पर ताबड़ तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इसी बल्लेबाजी के साथ दोस्तों बता रहे टीम का स्कोर यहाँ पर तीन ओवर में अड़तीस पर एक विकेट के नुकसान पर और देखेंगे की रेहमान गुरबाज यहाँ पर ग्यारह बोलों में तेईस रन बनाकर खेल रहे हैं उसी एक में भनका राजपक्षा ने तीन बॉलें खेली है तीन बॉलों में अभी तक हमें उनके बल्ले से एक भी रन हमें देखने को नहीं मिला है और देखेंगे कि आने वाले समय में और कितने रन हमें देखने को मिलेंगे तीन बॉलों में देखेंगे कि और कितने रन में देखने को मिल सकते हैं इसी के साथ में तीन और जो पावर प्ले था वो पावर प्ले पूरी तरह यहाँ पर समाप्त हो चुका है और देखेंगे कि सात ओवर यहाँ से बचते हैं सात ओवर में देखेंगे कि यहाँ पर लॉय के लॉय का दोस्तों लॉय के जॉन यहाँ पर जॉन्ग विंग लॉके जॉन्ग विंग दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दोस्तों लॉके जॉन विंग और लॉकी और देखेंगे किस तरह से गेंदबाजी करेंगे लॉकी दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लॉकी दोस्तों इंग्लैंड के यहाँ पर जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और वनुका राजपक्षा दोस्तों यहाँ पर लकी की पहली बॉल खेलने के लिए तैयार है और वहाँ पर तीन ओवर में दोस्तों अड़तीस रन विकेट के नुकसान पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी को अंजाम देना होगा अगर यहाँ से दोस्तों विकेट निकालते हैं तभी ये मैच बनेगा वो भी रहमान लाला गुरबाज का क्योंकि रहमानुल्ला गुरबाज बहुत ही खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी स्टेडियम बहुत बड़ी 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 यहाँ पर जो कि टी ट्वेंटी लीग होती है उसमें भाग लेते हैं यहाँ पर पी सी एल की अगर मैं बात करता हूँ तो पी सी एल में जो रहमान लाला गुरुबाज खेलते हैं यहाँ पर आई भी रहमन गुरबाज खेलते हैं बिग बैस भी यहाँ पर रहमनल गुरबाज खेलते हैं और वेस्ट इंडीज प्रीमियर पे, लीग होती है उसमें भी रहमन गुरबाज यहाँ पर भाग लेते हैं तो कह सकते हैं रहमन गुरुबाज दुनिया भर की जो लीगें होती हैं टी ट्वेंटी है उसमें भाग लेते हैं अगर देखेंगे कि लोग किस तरह से अपर पर गेंदबाजी करेंगे का बल्ला चलना बहुत ही जरूरी है इसी के साथ में राउंड द विकेट से तैयार लाने के लिए पटकी हुई गेंद दोस्तों गेंद बाउंसर करी गई थी गेंद को खेला है बहुत ही है, सही तरीके से गेंद गई थर्डमैन की तरफ और जब तक थर्डमैन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेगा तब तक आसानी से एक रन हमें देखने को मिला इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा उनचालीस पर एक विकेट के नुकसान पर और लगातार लगातार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर रन रेट पे आप नजर बना के रखिए दोस्तों पिछले उब दो ओवर में यहाँ पर रन रेट था दोस्तों वो साढ़े पंद्रह का रेट था अब धीरे धीरे जो रन रेट है दोस्तों वो यहाँ पर रात का है साढ़े बारह का साढ़े बारह से भी नीचे आज का है तो देखेंगे कि कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से अगर एक और विकेट मिलता है वो भी रहमान गुरवाज का तो कह सकते हैं कि यहाँ पर करीबी मामला हो सकता है कि हरारे की टीम एक बार वापसी कर सकते हैं इसी के सामने अगली बॉल लेकर तैयार है और यहाँ पर रामानल्ला गुरबाश तैयार हैं अपनी अगली बॉल खेलने के लिए और इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ राउंड द विकेट से तैयार हैं कदमों का इस्तेमाल कराया गया बल्ले उगैन का कोई भी संपर्क नहीं यहाँ पर स्कोर लेग से ऊपर से मारने की कोशिश करी गई थी कि ऑन द राइज और उसी ऑन द राइज के चक्कर में दोस्तों बल्ले का कोई भी संपर्क मैंने देखने को नहीं मिला और इसी के साथ दोस्तों डॉट गेंद हो जाएगी और रहमन उल्ला गुरुबाज के लिए दोस्तों एक नसीहत मैं देता हूं कि यहां पर बहुत ही सही तरीके से खेल रहे हैं क्या बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं तो आप सीधे बल्ले के साथ खेलें यहां पर आड़े बल्ले के साथ दोस्तों गेंद को खेलने की कोशिश ना कर जाए इसी के साथ में तीसरी बॉल लेकर फिर तैयार है तो एक और डॉट गेंद एक और डॉट गेंद लगातार दोस्तों डॉट गेंद यहाँ पर करी जा रही है लोकिन यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जो नवाज़ होती है जो कमजोरी होती है रहमन गुरबाज गुरवा गुरुबाज मैं यहाँ पर कमजोरी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो रहमन उल्ला गुरबाज की कमजोरी ये होती है ना भाई लोगों कि उनकी बॉडी की तरफ अगर उन जिस तरह से खेलते हैं राइट हैंड बल्लेबाज है अगर बॉडी की लाइन में अगर उनके गेंदबाजी करिए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विकेट को थोड़े से फंसते हैं और शायद यही जानकारी यहाँ पर लौकी को मिल चुकी है कि यहाँ पर जो थोड़े थोड़े से फस्टें हैं तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम गेंदबाजी करेंगे और साथ यहाँ पर लॉकी इनके विकेट भी निकाल सकते हैं वो यहाँ पर तेज गति के साथ यहाँ पर गेंदबाजी भी करते हैं करीबी मामला हो सकता था इसी एक में के साथ चौथी बॉल लेकर तैयार है राउंड द विकेट से एक बार फिर तैयार है दोस्तों राउंड द विकेट से लाने के लिए और दोस्तों यहाँ पर गेंद को लाए रन अप को पूरा किया पटकी हुई गेंद दोस्तों खेला है यहाँ पर पॉइंट की दिशा में पॉइंट की दिशा में दोस्तों बेहतरीन तरीके से कट शॉट करा और जब तक दोस्तों यहाँ पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता तब तक दो रन ले लिए गए बहुत ही तेजी बिल्कुल गोली की रफ्तार में गेंद गए थे दोस्तों यहाँ पर बाउंड्री लाइन की तरफ और तब तक दोस्तों दो रनों में देखने को मिली

और वैसे ही दोस्तों रन रेट हमें बिल्कुल डाउन हो चुका है ये दूसरा विकेट मतलब बहुत बड़ा विकेट कह सकते हैं इकतालीस पे गिरा दूसरा विकेट और उसी विकेट के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर जो कि तीन यहाँ पर दो विकेट इकतालीस रन पे तो कह सकते हैं दोनों ओपनर बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो जाएंगे और बहुत बड़ा दोस्तों कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका था और जितनी उम्मीदें लगाए बैठे थे दोस्तों रैम्ला गुरबा से उन्होंने वैसी शुरुआत भी दी मगर एंड तक दोस्तों को जाना पड़ेगा और इसी के साथ दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं पूछ सकते हैं आपका कौन सा सवाल है और इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि अगली बॉल लेकर तैयार है और देखेंगे कि अगले गेंदबाज कौन सा गेंदबाज़ लेकर आता है और इसी के साथ में अगर मैं बता दूँ आप लोगों को नए गेंदबाज के बारे में तो अफ़गानिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर यहाँ पर कलीम जन्न दोस्तों आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए देखेंगे कलीम जन्न किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कलीम जन्नत दोस्तों आ चुके हैं गए बल्लेबाजी करने के लिए और जो इनका पिछला कल कल का जो दिन था यहाँ पर कलीम जन्नत का वो बहुत बेकार दिन था बहुत बेकार दिन था इन्होंने दो ओवर में छब्बीस यहाँ पर छियालीस रन दिए थे आपको बता दूँ कलीम जन्नत ने यहाँ पर लाहौर का माफी चाहूँगा दोस्तों वहाँ पर डरवन कलंदर्स के सामने डरवन कलंदर्स के सामने इन्होंने दो ओवरों में छियालीस रन दिए थे मतलब तेईस की इकॉनमी से तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कल का दिन भुलाकर कलीम जन्नत आज नए दिन की यहाँ पर शुरुआत करेंगे तो कोशिश यही रहेगी दोस्तों कलीम जन्नत की यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करें और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करें और कैप्टाउन के अगर नजरिए से देखा जाए तो कैप्टाउन की यहाँ पर कोशिश यही रहेगी यहाँ पर एक अच्छा टोटल है कम से कम के पार तो जाना चाहिए के पार अगर जाएंगे तभी दोस्तों ये मैच बनेगा वरना ये मैच धीरे धीरे यहाँ पर निकलता जाएगा और यहाँ पर अगर विकेट अगर विकेट की अगर मैं बात करता हूँ आखिरी बॉल लेकर तैयार तो है यहाँ पर कट करने की कोशिश बल्ले और इनका कोई भी संपर्क नहीं देखने को मिला इस आखिरी बॉल पर इसी के सन में कलीम चंद ने पहली बॉल को खेला है डॉट इसी डॉट के चलते चार ओवर में दोस्तों जो रन हमें देखने को मिले हैं वो रन हमें देखने को मिले हैं इतालीस दो विकेट के नुकसान पर चार ओवर की समाप्ति और जॉनवर जानवर दोस्तों लोके जॉनवर ने यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करी है पहले ओवर में एक विकेट वो भी तीन रन देकर क्या यार बेहतरीन तरीके से बहुत जितनी तारीफ करी जाए गेंदबाज की उतनी ही कम है इसी के साथ आपको बता दें कि चार ओवर में यहाँ पर इकतालीस रन दो विकेट के नुकसान पर जो यहाँ पर रन रेट था दोस्तों जो भाई लोगों में आपको बता दूँ की जो रन रेट था वो यहाँ पर साढ़े पंद्रह का था अब वो साढ़े दस से भी नीचे आ चुका है इसी के साथ में अफगानिस्तान के यहाँ पर बेहतरीन ऑलराउंडर मोहम्मद नबी गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं और मोहम्मद नबी दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नबी बहुत ही युवा युवा माफी चाहूंगा युवा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है और बहुत ही अनुभवी यहाँ पर गेंदबाज है काफी लंबे समय से यहाँ पर जो की यहाँ पर क्रिकेट को जानते हैं दोस्तों काफी लंबे समय से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और बहुत युवा खिलाड़ी यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन खिलाड़ी है मोहम्मद नबी के साथ यहाँ पर हम मोहम्मद नबी मनुका राजपक्षा के लिए एक बार राउंड विकेट दिकेट तैयार तो हैं गेंद लाने के लिए और पहली बॉल को कदमों का इस्तेमाल करते हुए आसानी से एक रन देखने को मिला है लॉन्गौन की तरफ जब तक लॉन्गोन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेगा तब तक आसानी से एक रन हमें देखने को मिला है इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा बयालीस पर दो विकेट के नुकसान पर आप लोग अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कोई भी सवाल हो एवरीबॉडी किस भी चीज का तो मैं आपको बता सकता हूं इसी के साथ मैं दो ओवर वीन यहाँ पर जो कि पांचवा ओवर लेके आ रहे हैं मोहम्मद नवी यहाँ पर पहली बॉल को खेला है लोगों के इसी के साथ में यहाँ पर ओवर और विकेट एक बार फिर से अपने साइड को चेंज कराएगा और आसानी से रन में देखने को मिला इसी रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर तैंतालीस पर दो विकेट के नुकसान पर और कलीम जन्नत तैयार हैं दोस्तों कलीम जन्नत के यहाँ पर एक्स्ट्रा आई थी कलीम जन्नत जन्नत ने दोस्तों एक ही रन में देखने को मिला इसी के साथ दोस्तों बता दें कि वह का राजपक्षा के पास एक बार फिर से स्ट्राइक आ चुकी है और वनुका राजपक्षा क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे अभी दिखे नहीं और यहाँ पर भनुका राजपक्षा ने पांच गेंदों का सामना करा है राजपक्षा ने यहाँ पर दो ही रन बनाए हैं तो यहाँ पर कोशिश यही रहेगी देखी राजपक्षा की कि वो तेज गति के साथ रन बनाए कि पांच गेंदे बहुत हो जाती है इसी के साथ में तीसरी बॉल लेकर तैयार है राउंड द विकेट दिकेट दोस्तों और लो फुल टॉस को खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जब तक एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है तब तक आसानी से एक रन हमें देखने को मिला इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से चौवालिस पर दो विकेट के नुकसान पर और आपको बता दिया

और इसी के साथ आपको बता दें कि चौवालीस पर गिरा तीसरा विकेट यहाँ पर बहुत बड़ा दोस्तों विकेट आता हुआ क्योंकि कलीम जन्नत यहाँ पर तेज गति के साथ रन बना सकते थे उनके पास वो काबिलियत थी और बहुत ही बड़ा दोस्तों विकेट आता हुआ कलीम जन्नत का अगर कलीम जन्नत अंत तक खेलते तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर मैच बन सकता था मगर मोहम्मद नबी ने अपने दोस्तों एक्सपीरियंस का यहाँ पर फायदा उठाते हुए एक्सपीरियंस का फायदा उठाया और दोस्तों आसानी से हमें यहाँ पर जो तीसरा विकेट हमें देखने को मिला इसी के साथ में कप्टान की टीम धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर सिकंजे में फर्स्टी हुई यहाँ पर हरारे के यहाँ पर गेंदबाजी के सिकंजे में फर्स्ट हुई इसी के साथ में आपको बता दें कि टॉम करण आ चुके हैं गेंदबाजी का यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए टॉम करण मतलब यहाँ पर सैम करण के बड़े भाई और देखा जाएगा कि यहाँ पर टॉम करण किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं पर टॉम करण भी यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है इंग्लैंड के यहाँ पर बेहतरीन खिलाड़ी हैं और यहाँ पे तो देखेंगे कि किस तरह से बल्लेबाजी को अंजाम दिया जा जाता है अभी तक दोस्तों उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों की अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि टॉम करन की तो टॉम करन ने यहाँ पर पिछली जो पिछला मैच खेला था मतलब कल तो यहाँ पर टॉम करन ने यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करी थी बेहतरीन गेंदबाजी के चक्कर में देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से करी जाएगी और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर यहाँ से हो चुका है दोस्तों कि तैंतालीस चौवालीस रन विकेट तीन विकेट के नुकसान पर देखेंगे कि टॉम करन किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे करण ने पहली बॉल को खेला है तो एक्स्ट्रा कवर दिशा में जब तक एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दोस्तों गेंद को फील्ड करता है तब तक आसानी से एक रन में देखने को मिला इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा पैंतालीस तीन विकेट के नुकसान पर और आखिरी बॉल मोहम्मद नमी तैयार है का राजपक्षा के लिए दिशा इन गेंद यहाँ पर वाइट बॉल हो जाएगी और उसी वाइट बॉल के चक्कर में दोस्तों आसानी से एक रन में अतिरिक्त एक रन देखने को मिला इसी एक रन के चक्कर में अब टीम का स्कोर छियालीस पर तीन विकेट के नुकसान पर आखिरी बॉल लेकर तैयार है राजपक्षा देखेंगे किस तरह से खेलते हैं आखिरी बॉल भन कर दोस्तों पटकी हुई गेंद आसानी से क्या एक रन आएगा बिल्कुल एक दो रन को तब्दील करा जाएगा मगर दो रन को दोस्तों विकी रन में तब्दील करेंगे और इसी के साथ में पांच ओवर की समाप्ति पर दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा सैंतालीस तीन विकेट को नुकसान पर और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर सैंतालीस पर तीन विकेट के नुकसान पर पांच ओवर की समाप्ति के बाद और देखेंगे कि यहाँ पर जो कि किस गेंदें बची हैं गेंद में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं अगर अच्छे खासे रन अगर बन गए अगर सौ से अगर सौ एक सौ दस अगर रन बन गए तो कह सकते हैं कि पर कैप पर कैप्टन की टीम वापसी कर सकती है तो यहाँ पर बहुत ही जरूरी होता है होगा यहाँ पर जो कि तीस गेंद है तो तीस गेंदों में कम से कम साठ या पैंसठ रन अगर बन जाए तो यहाँ पर काफी अच्छा होगा इसी के समय यहाँ पर इरफान पठान यहाँ पर इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर इरफान पठान आ चुके हैं दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए और इरफान पठान यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस का बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे और दोस्तों यहाँ पर जो तो कि इरफान पठान की अगर मैं बात करता हूँ तो इरफान पठान पठानिया पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी भी करते हैं ऑलराउंडर हैं और इसी के साथ में इरफान पठान पठानिया पर ओवर द विकेट बनको राजपक्षा के ले लिए लेते हैं यार एम वनकुआ राजपक्षा का बल्ला बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वनका राजपा ने सात गेंदे खेल रही हैं और यहाँ पर समय लेने का यहाँ पर समय नहीं है राजपक्षा के लिए ना ही उनकी टीम के लिए इसी द विकेट था दोस्तों पटकी हुई गेंद पटकीट पर खेला है शॉट है पीछे खिलाड़ी मौजूद है मगर यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है उससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता में पुल में बेहतरीन शॉट की दिशा खेला एक शॉट है और क्या बेहतरीन ताकत यहाँ पर जनरेट करी यहाँ पर वनुका राजपक्षा ने और उसी के साथ दोस्तों हमें छ रन में देखने को मिले इसी छह रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर तिरपन तीन विकेट के नुकसान पर यहाँ पर जो कि छठे ओवर की शुरुआत हो चुकी है वो भी छक्के के साथ तो कह सकते हैं यहाँ से हम त्रेपन पर तीन विकेट के नुकसान पर वनकर वनकर आज ने आठ बोले खेलकर दस रन बनाए हैं और पूछी जाएगी कि इसी के साथ में दूसरी तैयार है दूसरी बॉल पर पर दोस्तों जो कि पटकी हुई गेंद दोस्तों एक बार फिर से स्कोर लेकर जैसे गई है गेंद वहाँ पे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे तब तक एक रन को दो रन में कन्वर्ट कर लिया है बहुत बढ़िया रनिंग विक्टो के बीच में बहुत बढ़िया रनिंग हमें देखने को मिली है और इसी रनिंग के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों पचपन पर तीन विकेट के नुकसान पर अभी यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं तो इरफान पठान दो गेंदों में यहाँ पर आठ रन दे चुके हैं तो क्या यहाँ पर ऐसा लगता है दोस्तों की इरफान पठान थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं क्या यहाँ है? पर इरफान पठान काफी लंबे समय के बाद दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और अब अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर ले चुके हैं तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लय पाने के लिए इरफान पठान को यहाँ पर कुछ मैच खेलने पड़ेंगे इसी एक में तीसरी बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर लो फुल टॉस हमें देखने को मिली विकेट से लो फुल टॉस बनकर राजपक्षा ने अपने बल्ले पर ही खेला है दोस्तों लॉन्गवॉन की तरफ और लॉन्गवॉन का खिलाड़ी जब तक तो गेंद को फील्ड करेगा तब तक आसानी से एक रन ले लिया गया था इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा छप्पन पच्चीन विकेट के नुकसान पर और बेहतरीन जिन्होंने दोस्तों जिन भाई लोग हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब पर फेसबुक पर जिन्होंने हमको फॉलो नहीं कराया दोस्तों तो फॉलो कर लीजिए आपके प्यार सपोर्ट के यहाँ पर

छप्पन पर तीन विकेट को नुकसान पर देखेंगे कि आने वाले दो यहाँ से जो तीन गेने बचती हैं वो तीन गेने किस तरह इसी के में राउंड विकेट दोस्तों पटके यहाँ पर नो बॉल हो जाएगी भाई यहाँ पर नो बॉल होगी चौथी बॉल दोस्तों यहाँ पर नो बॉल होगी और इसी के साथ दोस्तों बता दे कि यहाँ पर नो बॉल और इसी नो बॉल के साथ में फ्री हिट मतलब लाइसेंस मिल चुका है बिल्कुल लाइसेंस मिलता मिलता हुआ और देखेंगे कि टॉम करण किस तरह से फायदा उठाएंगे इसी के साथ दोस्तों बता दे कि यहाँ पर बहुत बड़ा ओवर हो जाएगा भनुका राजपक्षा बहुत बड़ा ओवर हो जाएगा और उसी के साथ में तीन गेंदों में यहाँ पर जो कि ग्यारह रन दे चुके हैं उसी साथ में यहाँ पर व्हाइट बॉल रहेगी मतलब यहाँ पर फ्री हिट फ्री हिट अभी भी जारी है भाई लोगों फ्री हिट अभी भी जारी है धीरे धीरे यहाँ पर इरफान पठान बहुत ज्यादा महंगे होते हुए दिख रहे हैं बता दें कि आपको अट्ठावन रन बन चुके हैं तीन गेंदे अभी भी फ्री हिट जारी है और से तीन गेंदे बची हैं मगर देखना होगा किस तरह से करेंगे चौथी बॉल पटकी हुई गेंद उठा के गेंद को खेला है गई है रन स्कॉट लेक की दिशा में और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेगा तब तक आसानी से एक रन देखने को मिला है और इसी एक रन के साथ आपको बता दें कि एक और नौ बॉल एक और बॉल भाई लोगों एक और नौ बॉल हमें देखने को मिली और यहाँ पर बता सकते हैं कि गरीबी में आटा गीला और इरफान पठान ये क्या कर रहे हैं आप आप अपनी इंडिया यहाँ पर इरफान पठान बहुत महंगे होते हुए अभी भी दोस्तों तीन गहने हुई हैं और नोबाल भी है प्लस सिंगल भी है मतलब दो नोबाले एक वाइड रन और पहली बॉल पर छक्का तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा ओवर आ जाएगा इससे पहले दोस्तों जो ओवर रहा था वो क्या बेहतरीन तरीके से रहा था इसी के साथ वो गुजारे कि यहाँ पर मोहम्मद नबी यहाँ पर ने यहां पर गेंद को फील्ड कर रहा था इसी के में चौथी बॉल उठा के गेंद को खेला है पटकी हुई गेंद पर स्कोर लेके दिशा में गेंद जा रही है काफी ऊंची गेंद गई है मगर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसी के साथ दोस्तों वन बाउंस चौका हमें देखने को मिल रहा है जब तक दोस्तों यहाँ पर गेंद जो फील्डर था, था। गेंद को फील्ड करता तब तक दोस्तों वन गेंद चली गई गे थी बाउंड्री लाइन के पड़ो पास में और उसी के साथ में देखा जाएगा कि दोस्तों यहाँ पर बाउंड्री चेक करी था की चौका है कि छक्का है बहुत ही करीबी मामला ऐसा लग रहा था दोस्तों की छक्का होने वाला है मगर मेरे को मगर मैंने साइज से देखा तो ऐसा लगा कि चौका ही होगा और उसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से चौंसठ पर तीन विकेट को नुकसान पर ऋतिक में यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार एक बार एक फिर से दोस्तों उठा के खेला है एक, एक और चौका ओ भाई क्या बेहतरीन तरीके से वनुका राजपक्षा ने यहाँ पर बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से इम्फान पठान के ऊपर पर हमला बोल दिया है अरफान पठान ने यहाँ पर पांच बोलों में इक्कीस रन दिए हैं तो यहाँ पर वनुका राजपक्षा की अगर मैं बात करता हूँ तो वनुका राजपक्षा ने बारह बोलों में इक्कीस रन दिए हैं और इसी के तन में अड़सठ पर तीन विकेट के नुकसान पर अभी भी यहाँ से एक गेंद बची है क्या है यहाँ पर एक गेंद पर दोस्तों देखें कितने रन बनाए जा सकते हैं बहुत महंगे रहे हैं इसी के तन में आखिरी बॉल लेकर तैयार है राउंड विकेट तो पटकी हुई गेंद कदमों का इस्तेमाल कराया गया उनका राजपक्षा के द्वारा मगर ये गेंद डॉट रही है ये इस ओवर में हमें सब कुछ देखने को मिल चुका है इस ओवर में हमें सब कुछ देखने को मिल चुका है अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो यहां पर पहली बॉल पर छक्का फिर यहाँ पर डबल फिर नो बॉल फिर वाइड बॉल फिर चौका फिर चौका फिर डॉट मतलब सब कुछ देखने को मिल चुका है इस ओवर में आप नहीं मानते दोस्तों तो आप लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर दिस ओवर लिखा है उसके आदमे में इस ओवर में छक्का भी आ चुका है इस ओवर में सिंगल भी आ चुके हैं इस ओवर में डबल भी आ चुके हैं नो बॉल भी आ चुकी है वाइट बॉल भी आ चुकी है और चौके भी आ चुके हैं तो इस ओवर में इरफान पठान का काफी ओवर काफी महंगा ओवर रहा था तो कह सकते हैं दोस्तों इरफान पठान के पहले ओवर में इक्कीस रन गए तो काफी दोस्तों महंगा ओवर कह सकते हैं और इसी महंगे ओवर के साथ इक्कीस रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है अड़सठ पर तीन विकेट के नुकसान पर छह ओवर की समाप्ति के, के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से चौबीस के शीत हो हैं है चौबीस गेंदों में और कितने रन बनाए जा सकते हैं इसी क्षण में यहाँ पर एक बार फिर से मोहम्मद नबी का यहाँ पर रुक कर आ गया मोहम्मद नवी ने यहाँ पर रामदा विकेट से तैयार है टॉम करण के टीम का स्कोर दोस्तों यहाँ पर होता हुआ अगर मैं अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा सत्तर पर तीन विकेट के नुकसान पर दो गेंदों पर दो रन हमें देखने को मिले इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर यहाँ पर सत्तर पर तीन विकेट के नुकसान पर और देखेंगे कि यहाँ पर मोहम्मद नबी के द्वारा किस तरह से यहाँ पर वापसी करी जाती है और मोहम्मद नवी यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी करी मोहम्मद नबी दोस्तों अपने एक्सपीरियंस का बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं और इसी में तीसरी बॉल लेकर तैयार है तीसरी बॉल कदमों का इस्तेमाल करके खेला है दोस्तों एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी जब तक इनको फील्ड करेगा और दोनों बल्लेबाज दोस्तों दूसरा रन चाहते थे मगर बेहतरीन फील्डिंग के चक्कर में दोस्तों एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और इसी के साथ में एक रन के साथ दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा इकहत्तर पर तीन विकेट के नुकसान पर तीन गेंद हुई हैं तीन गेंदों में दोस्तों अभी तक तीन रन बने हैं तो यहाँ से तीन गेंद यहाँ पर शेष बची हैं तो यहाँ पर कोशिश यही रही कि वर्ष यहाँ पर

एंड के ओवरों में और यहाँ से दोस्तों सोलह गेंदों में चौबीस रन बनाकर दोस्तों यहां पर जाएंगे यहाँ पर भनुका राजपक्षा डेढ़ सौ के स्ट्राइक से और क्या बेहतरीन तरीके तरीके से क्या तरीके से क्या बेहतरीन जितनी तारीफ करनी चाहिए पर यहां पर मोहम्मद नमी की उतनी ही काम है अपना दो ओवर में ग्यारह रन दिए हैं दो यहाँ पर महत्वपूर्ण विकेट एक पहले दोस्तों यहाँ पर कलीम जन्नत का विकेट उसके बाद यहाँ पर भनुका राजपक्षा का विकेट तो हम कह सकते हैं कि क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेला है इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर कौन नए बल्लेबाज आते हैं और वह यहाँ पर और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर मोहम्म यहाँ पर बता दें दोस्तों यहाँ पर कैप्टाउन स्नैप आर्मी के यहाँ पर कप्तान आ चुके हैं मतलब यहाँ पर पार्सिक पटेल आ चुके हैं दोस्तों भारतीय खिलाड़ी एक और भारतीय खिलाड़ी दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर इस लीग में जुम्बा में सुपर यहाँ पर पेमेंट लीग में और इसी सिक्त में पार्षिक पटेल तैयार है यहाँ पर मोहम्मद नवी की दोस्तों गेंद खेलने के लिए पहली बॉल खेलने के लिए और आपको बता दें कि यहाँ पर पार्षिक पटेल वैसे यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे मगर यहाँ पर बॉम्बे इंडियंस उनको रिलीज़ करा फिर उन्हें काफ़ी यहाँ पर मौके नहीं मिले और जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर पार्थिक पटेल ने वहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया इसी साल में पार्थिक पटेल दोस्तों राउंड द विकेट से यहाँ पर लेकर आते हुए और पहली बॉल को खेलेंगे इसी एक साल में पहली बॉल में डॉट गेंद देखने को मिली और इसी डॉट के चलते तीन ओवर यहाँ पर जो कि सात ओवर में सात ओवर में आपको बता दें कि टीम का स्कोर तिहत्तर पचास विकेट के नुकसान पर है यहाँ से अट्ठारह गेंदें बची हैं तो कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि अठारह गेंदों में यहाँ पर ज्यादा जा, से ज्यादा रन बना लिए जाए कम से कम दोस्तों सौ या एक सौ पांच या एक सौ दस तक पहुँचना आंधबाद है अगर यहाँ तक तो पहुंचते हैं तभी दोस्तों मैच बनेगा वरना करीबी मामला हो सकता है दोस्तों कि अगर सौ रन नहीं बने तो यहाँ पर तो यहाँ पर हरारे की टीम के पास बहुत ही उमदा उमदा तरीके से खिलाड़ी मौजूद है चाहे मैं बात करूँ यौरन की रॉबिन उथप्पा है दोस्तों इरफान पठान है और दोस्तों बता दें कि बहुत यहाँ पर लोगों मोहम्मद नवी हैं दोस्तों मोहम्मद नवी एंड के ओवरों में यहाँ पर हिटर के रूप में जाने जाते हैं और क्या बैचिंग तरीके से हिट रहे हैं जो हिटिंग कर सकते हैं के साल में सात ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर तिहत्तर पर चार विकेट के नुकसान पर यहाँ से सात अठारह गेंदें बची हैं और अठारह गेंदे में देखेंगे किस तरह से करेगी टॉम टॉप टॉम टाप्सा दोस्तों यहाँ परिम्मा के एक और यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज आ हुए और देखेंगे कि टॉम किस तरह से गेंदबाजी करेंगे पहली बॉल लेकर तैयार तो है पहली बॉल दोस्तों टॉम करम के लिए पटकी पट हुई कदमों का इस्तेमाल करा राउंड द विकेट दोस्तों और ये डॉट गेंद हमें देखने को मिली डॉट टीम का स्कोर हो दो सौ तिहत्तर पर चार विकेट के नुकसान पर और टॉम टाप्सा लंबे कद के हैं तो उनको उछाल यहाँ पर मिलता है उछाल मिलता है और उसी उछाल का दोस्तों यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करेगा टॉम थोड़े से पर छोटे के हैं तो यहाँ पर फर्स्ट बाउंस हो चुकी है टॉम टापसा की इसी के साथ अगली बॉल देखेंगे किस तरह तो से करेंगे यहाँ पर टॉम करण का बल्ला चलना चाहिए अगर टॉम करन का बल्ला चलता है तो अभी मैच में बनेगा और उसी के सर में तिहत्तर सात चार विकेट के नुकसान पर अगली बॉल लेकर आते हो पटकी बॉल दोस्तों यहाँ पर बल्ले पर सही तरीके से जड़ी गेंद जारी है दोस्तों गोली की रफ्तार में स्कोर लेकर दिशा में और क्या बेहतरीन चौका हमें देखने को मिला है इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से सतर पर चार विकेट के नुकसान पर और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करा काफी समय मिल चुका था टॉम करन को इस चौका लगाने के लिए इस, इस गेंद को खेलने के लिए काफी नजर बन चुकी थी और आखिरकार में टॉम करन से बल्ले से दोस्तों निकला है पहला चौका इसी पहले चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा सतहत्तर पर चार विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ से चार गेंदीज बची हैं चार गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं टॉम के द्वारा और पार्सिव पटेल को भी दोस्तों अपने हाथ खोलने पड़ेंगे इसी के साथ में पर तीसरी बॉल लेकर तैयार है राउंड एक बार एक और दोस्तों पटकी हुई गेंद एक और दोस्तों खेला है स्कॉट लेक की जब तक स्कॉट लेग की तरफ दोस्तों गेंद जा रही है जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेगा तब तक यहाँ से रन ले लिएगा तो असी दो रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा यहाँ पर सेवेंटी नाइन पर चार विकेट के नुकसान पर और बेहतरीन दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए टॉम कराना बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ दोस्तों बता दें कि अपने एक्सपीरियंस का भी फायदा उठाया उठाया जा रहा है और इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है सेवेंटी नाइन विकेट के नुकसान पर अभी भी तीन गेंद शेष बची हैं तीन गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं और सिक्स में आठ गेंदों में दस रन बन चुके हैं और पार्थिव पटेल ने मात्र एक ही गेंद खेली है तो कोशिश यही रहेगी दोस्तों की यहाँ पर पार्थिव पटेल इसी कल में चौथी बॉल लेकर तैयार है दोस्तों चौथी बॉल पटकी हुई गेंद दोस्तों उठा के खेला है की तरफ जा रही है और दोस्तों वन बाउंस बेहतरीन चौका इसी वन बाउंस के साथ यहाँ पर बेहतरीन चौके के साथ दोस्तों बता दे कि यहाँ पर चौथी गेंद का चौथा कर दिया गया है वहां पर टॉम करण के द्वारा और इसी के साथ यहाँ पर चौथी बॉल पर दोस्तों चौका हमें देखने को मिला है इसी के साथ आपको बता देते हैं यहाँ पर तिरासी चौर विकेट के नुकसान पर बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए करते हुए और क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है और उसी बल्लेबाजी के बच्चा में टीम का स्कोर हो चुका है तिहत्तर तिरासी पर चौदह तो विकेट के, के नुकसान पर इसी के साथ दोस्तों नए गेंद लाते हुए फील्डिंग में तब्दीली करी जा रही है में अगली बॉल लेकर तैयार है लो फुल टॉस हमें देखने को मिली गेंद गई स्क्वाड लेके दिशा में और एक बार फिर से दोस्तों ये पांच चौथी बॉल स्क्वाड लेके के दिशा में गई मात्र एक ही रन होना चाहिए दो रन की कॉल तो करिए करीबी मामला हो जाएगा दोस्तों कन्फर्मिंग है और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर रन आउट हो जाएगा ऐसा लग रहा है दोस्तों क्या आउट हो जाएगा करीबी मामला लगता है दोस्तों और थर्ड अंपायर के पास यहाँ पर दो रन नहीं थे तब भी दोस्तों यहाँ पर टॉम करण की कॉल थी और टॉम करन ने दोस्तों प्रेशर डाला था पार्थिव पटेल के ऊपर यहाँ पर करीबी मामला लग रहा है कि टॉम करन ऐसा लग रहा है कि दोस्तों टॉम करन नहीं पहुंच पाए हैं टॉम करण के दोस्तों यहाँ पर जो उनका तो चेहरा बयां कर रहा है दोस्तों कि यहाँ पर टॉम करण नहीं पहुंच पाए हैं ऐसा लगता है दोस्तों कि यहाँ पर करीबी मामला हो सकता है विकेट मिल सकता है रनआउट तो क्योंकि अगर टॉम करण अगर टॉम करण दोस्तों जान जोखिम में लेके भाग रहता है इसी के साथ दोस्तों बता दे कि टॉम करण का विकेट हो जाएगा वो भी रनआउट के रूप में स्कोर पे खिलाड़ी दोस्तों जब तक यहाँ से अगर मैं बता दूं कि पांच गेंदें हुई हैं जो चार गेंदे खेली गई थी टॉम कर्न के द्वारा तो चारों गेंदों को खेला गया था स्कोर लेक की दिशा में और योन मॉर्गन ने स्कोर लेके जो खिलाड़ी ले था उसको दोस्तों आगे बुला लिया था और जिसके कारण दोस्तों जो पांचवी गेंद फिर यहाँ पर स्कोर लेग की दिशा में गई तो स्कोर लेक का खिलाड़ी ले दोस्तों आगे आ चुका था जिसके कारण दोस्तों स्कोर लेग के खिलाड़ी ने यहाँ पर गेंद को जल्द से फील्ड करा और गेंद को मारा है दोस्तों यहाँ पर जो की डायरेक्ट हिट के रूप में एक और रन आउट हमें देखने को मिला है और इस दोस्तों इस मैच में दो रन आउट हो चुके हैं इसी दो रन आउट के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा तिरासी पर पांच विकेट के नुकसान पर ये यह बहुत यहाँ पर यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट हो सकता है दोस्तों कि टॉम करन अच्छे बने अच्छे लेवल में ले रहे थे दोस्तों दस बॉलों में यहाँ पर चौदह रन बनाकर खेल रहे थे एक सौ चालीस के स्ट्राइक से और उसी के साथ में यहाँ पर के साथ में देखेंगे कि नए बल्लेबाज कौन से बल्लेबाज आते हैं और जब तक आप लोगों ने दोस्तों हमको फॉलो नहीं कराया दोस्तों हम लोगों को फॉलो जरूर कर लिया गया हम ऐसे भी दोस्तों बता दें कि जिम्मा में प्रेम लीग हो आई हो दोस्तों हर मैच को कवर करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों की कौन सी टीम आज बिन करेगी कौन सी टीम दोस्तों यहाँ पर जो कि फेवरेट रहेगी और उसी के साथ में नए बल्लेबाज आ चुके हैं आखिरी बॉल खेलने के लिए तैयार है दोस्तों यहाँ पर टॉम टापस दोस्तों आखिरी बॉल लेकर आएंगे और देखेंगे आखिरी बॉल को दोस्तों यहाँ पर खेला गया है व्हाइट बॉल ओ भाई यहाँ पर व्हाइट बॉल व्हाइट बॉल और व्हाइट बॉल के साथ में दोस्तों बता दें कि एक और अतिरिक्त रन में देखने को मिला है इसी अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा पचासी रन पाँच विकेट के नुकसान पर बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करी गई थी दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शुरुआती अगर मैं बात करता हूँ तो शुरुआती में जिस तरह से यहाँ पर जबकि अगर मैं बात करता हूँ कि कप्टाउन के बल्लेबाजों ने जिस तरह से यहाँ पर शुरुआती शुरुआती ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आपको करनी होगी दो ओवर में ऐसा लग रहा था कि उनतीस रन थे तो हम कह सकते थे कि दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सौ रन सौ रन थे दोस्तों तो एक सौ बीस रन तक बन जाएंगे मगर उसके बाद दोस्तों विकटों का लगातार पतन जारी रहा हो जिसके कारण दोस्तों हमें रन हमें देखने को नहीं मिल पाए और इसी के साथ में आखिरी बॉल पर एक रन हमें प्राप्त हुआ इसी एक रन के साथ आठ ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो जाएगा छियासी पर पांच विकेट के नुकसान पर और जो पार्थिक पटेल दोस्तों भारतीय खिलाड़ी हैं और देखेंगे कि उनके पास स्ट्राइक नहीं देगी पार्थिव पटेल ने एक ही गेंद खेली है मेरे हिसाब से दोस्तों ये मैच आप बताइए कौन सी टीम जीतेगी आप लोग बता सकते हैं दोस्तों कमेंट में बताइए कि आप लोग कौन सी टीम के साथ हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आज की टीम कौन सी विन करेगी और जो मैं मैंने यहाँ पर दोस्तों कल जो तीन मुकाबले हुए थे तो तीनों मुकाबलों में दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रेडिक्ट करा कि जो जो टीम जीतेगी दोस्तों वो तीनों टीम देती थी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी दोस्तों आप लोग कौन सी टीम के साथ हैं और इसी के साथ मैं अगर मैं बात करता हूँ तो टीम का स्कोर हो चुका है छियासी पर पाँच विकेट के नुकसान पर आठ ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ से दो गेंद शेष बची हैं अब देखेंगे यहाँ पर लोग ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आता है और सिक्स दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि हम आप पता आपको बता दें दोस्तों आज हमारी टीम हरारी रहेगी आज हम हरारी के साथ रहेंगे और हरारी ही बिन करेगी दोस्तों आपको बता दें इसी के समय में यहाँ पर लॉकी आ चुके हैं दोस्तों गेंदबाजी करने के लॉकी का पहला ओवर यहाँ पर तीन रन गए थे इसी के में यहाँ पर लॉकी ने अगली बॉल लेकर आई लॉकी की पहली बॉल पर दोस्तों बता दें एक रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए क्या बेहतरीन चौका हमें देखने को मिला है और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है दोस्तों चौके के साथ और इसी चौके के साथ बता दें कि टीम का तो स्कोर हो जाएगा नब्बे पर पांच विकेट के नुकसान पर और बहुत बड़ा ओवर आना चाहिए तभी दोस्तों मैच में यहाँ पर रुक मनेगा मजा आएगा ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट के दो ओवर हैं मतलब ग्यारह गेंद बची हैं और ग्यारह गेंदों में कम से कम दोस्तों बीस से पच्चीस रन आए तभी दोस्तों यहाँ पर जो कि जो कैप्टाउन का स्कोर है वो कैप्टाउन का स्कोर यहाँ पर बेहतरीन तक जा सकता है तो कोशिश यही करनी होगी कि एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा और जब तक यहाँ पर पार्थिक पटेल और यहाँ पर मुरू बल्लेबाजी करते रहेंगे तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर हो सकती है इसी के साथ बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है इक्यानवे पर पांच विकेट के नुकसान पर यहाँ पर दस गेंद शेष बची हैं दस गेंदों में और देखेंगे कि, कि कितने रन बन सकते हैं आप लोग कमेंट में बताइए जल्द से जल्द दस रन में और कितने रन बना सकते हैं और इसी के साथ में इसी बॉल लेकर तैयार है लोके दोस्तों पार्थिक पटेल के लिए पार्थिक पटेल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों खेला है लोहावा में पीछे खिलाड़ी मौजूद है मगर यहाँ पर खिलाड़ी से पहले गेंद गिर जाएगी और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर पार्थिक पटेल ने दोस्तों क्रीज की गे बेहतरीन क्रीज की यहाँ पर गहराई का इस्तेमाल करते हुए क्या बेहतरीन चौका हमें देखने को मिला है इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से टीम का स्कोर हो जाएगा पचास पर यहाँ पर पचानवे पर चार पांच विकेट के नुकसान पर और क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इसी बल्लेबाजी के साथ टीम का स्कोर पचानवे पर पांच विकेट के नुकसान पर मतलब तीन गेंदों में नौ रन आ चुके हैं और शेष तीन गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन आ जा सकते हैं इसी में अगली बॉल पटकी हुई है दोस्तों उठा के खेला है स्कॉल लेक की दिशा में और जब तक स्कॉल डेग से खिलाड़ी दोस्तों पहले ही गिर जाएगी और आसानी से एक रन हमें देखने को मिला और उसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर वो भी छियानवे पर पांच विकेट के नुकसान पर अब देखेंगे किस तरह से दोस्तों यहाँ लाया जाएगा और हरारे बसेस दोस्तों यहाँ पर कैप्टाउन कौन सी टीम दोस्तों बाजी मारेगी बताया जाएगा इसी क्षम में यहाँ पर जो कि पांचवीं बॉल लेकर तैयार है पांचवी बॉल दोस्तों यहाँ पर मुरबावनी के पास स्ट्राइक है पांचवीं बॉल पर यहाँ पर गेंद को हमें एक ही रन देखने को मिलेगा इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से वो भी यहाँ पर सत्तानवे पर पांच विकेट के नुकसान पर और आखिरी बॉल पर पार्थिव पटेल के पास स्ट्राइक रह गई है देखेंगे आखिरी बॉल को किस तरह से खेलते हैं पार्थिव पटेल और इसी क्षण में आखिरी बॉल लेकर तैयार है और आगे पाँचवीं चौथी बॉल जो पांचवी बॉल थी उस पर एक ही रन आएगा और एक ही रन के साथ टीम का सा स्कोर हो जाएगा सत्तानवे पर और देखेंगे किस तरह से बल्लेबाजी करी जाएगी इसी के साथ में आपको बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ से हो जाएगा सत्तानवे पर आखिरी बॉल जल्द से जल्द कराई जाए यहाँ पर थोड़ी सी नेट कलेक्शन के कारण हम आपके साथ जुड़ नहीं पाए और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ नौ ओवर की समाप्ति के साथ और लास्ट की दोस्तों आपको बता दें कि लास्ट की यहाँ से छह गेंदें बची हैं लास्ट की छः गेंदें बची हैं तो लास्ट की छः गेंदे में देखेंगे कितने रन बनाए जा सकते हैं लास्ट के छः गेने मतलब यहाँ पर छः गेने डिसाइड कर देंगे इस मैच में और इसी के समय में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्रिस पोलू को दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं क्रिस पोलू को दोस्तों यहाँ पर पोलू पोलू को का पहला ओवर यहाँ पर आज बेहतरीन तरीके से रहा था इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो आपको बता दें यहाँ पर क्या बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हैं दोस्तों इसी समय क्रिस पोलू को तैयार हैं गेंद लाने के लिए राउंड द विकेट से और देखेंगे कि यहाँ पर जो कि लास्ट की छः गेंद है तो कोशिश ये करेंगे कि लास्ट की छः गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए और जिम मामे का यहाँ पर जो कि ग्राउंड है क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खचरा खच भरता भरा हुआ और उसी समय राउंड द विकेट से तैयार है अगली बॉल लाने के लिए राउंड द विकेट दोस्तों तैयार है यहाँ पर क्रिस पोलू को और यहाँ पर करीबी मामला हो सकता है दोस्तों इसके समय पहली बॉल वहाँ पर पटकी हुई गेंद दोस्तों गुड लैंड की पड़ी है गेंद गई दोस्तों थर्ड मैन की दिशा में और जब तक थर्ड मैन का खिलाड़ी दोस्तों गेंद को फील्ड करेगा तब तक आसानी से दोस्तों छक्का में देखने को मिला है यहाँ पर काफी ऊंची गेंद गई थी दोस्तों ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कैच हो जाएगा मगर अंतिम में दोस्तों आपको बता दें कि अंतिम यहाँ पर दो में देखने को मिला इसी के साथ दोस्तों बता दें कि स्कोर यहाँ से हो चुका है स्कोर दोस्तों हो चुका है यहाँ से छह पर पांच विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बहुत बड़ा दोस्तों में जो कि छक्का देखने को मिला है इसी के साथ आपको बता दें कि टीम का स्कोर एक पर पांच विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ दोस्तों बता रहे कि 104 पर हुआ है पाँच जो कि पाँच हो चुका है बेहतरीन छक्का में देखने को मिला था पहली बॉल पर उसके बाद यहाँ पर दूसरी बॉल पर एक सिंगल हमें देखने को मिला था इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 104 पर पाँच विकेट के नुकसान पर क्रिस मोलपू ने यहाँ पर जो कि दो गेंदे करी हैं तो दो गेंदों में यहाँ पर सात रन आ चुके हैं देखिए लास्ट के चार बोलों में और कितने रन हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं तो कोशिश ये रहेगी कि लास्ट के चार गेंदों में पर बेहतरीन तरीके से रन हमें देखने को मिले कम से कम एक सौ पंद्रह तक जो कैप्टाउन का स्कोर है वो एक सौ पंद्रह तक जाना चाहिए तभी दोस्तों ये मैच यहाँ पर बचा पाएगी इसी स्थान में यहाँ पर राउंड द विकेट से पटकी हुई गेंद दोस्तों यहाँ पर गेंद लगी है पैरों पर अपील करी जा रही है मगर आपको बता दें दोस्तों अंपायर ने तो नॉट आउट दिया है मगर रन आउट हो जाएंगे रन आउट हो जाएंगे दोस्तों पार्थिक पटेल पार्थिक पटेल की कोशिश यही थी दोस्तों कि वो यहाँ पर स्ट्राइक पर जाएँ और अपने बल्ले से दोस्तों गेंद को मारें मगर यहाँ पर जो कि दोनों बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग नहीं हो पाती दोनों बल्लेबाजों की और इसी के साथ में तीसरी बॉल पर मैं जो कि रनआउट हमें देखने को मिला है इसी रनआउट के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दें कि एक पर छः विकेट के नुकसान पर और यहाँ पर लास्ट के तीन गेंदें बची हैं तो कह सकते हैं दोस्तों टीम का स्कोर यहाँ पर हो जाएगा और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर एक सौ चार पर छः विकेटन पर एल बी डब्ल्यू की अपील करी गई तो दोस्तों एल बी डब्ल्यू यहाँ पर नहीं हुआ रन आउट हुए दोस्तों और यहाँ पर अब जो कि स्कोर बोर्ड में आपको देख जरूर रहा है कि यहाँ पर एल बी डब्लू हुए हैं मगर मैं आपको सही तरीके से बता दूँ कि यहाँ पर रन आउट ही हुए हैं और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि यहाँ पर अगली बॉल लाने के लिए तैयार है अगली बॉल देखेंगे किस तरह से खेलते हैं दोस्तों पटकी हुई गेंद यहाँ पर पैडों पर गेंद लगी लेग बाई कीपर भी दोस्तों गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे और इसी गेंद को इसी गेंद को टीम में दोस्तों एक और रन हमें देखने को मिला है चौथी बॉल पर चौथी बॉल पर दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा एक रन छह विकेट के नुकसान पर अभी भी दो गेंदें शीश बची है लास्ट के देखेंगे दो, दो गेन को किस तरह से खेलता है खेला जाएगा द्वारा और लास्ट कोशिश यही करेंगे कि लास्ट की दो गेंद पर दो बड़े बड़े हिट आए जिससे दोस्तों यहाँ पर टीम का स्कोर यहाँ पर एक सौ दस के पास पहुंचा है इसी के साथ यहाँ पर राउंड द विकेट से तैयार है खेला है थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है हवा में पीछे खिलाड़ी मौजूद है और बेहतरीन छक्का देखने को मिला है सेकेंड पेयर में गेंद जाकर गिरी और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों छक्का देखने को मिला है यहाँ पर मुरू वानी ने सात गेंदों में सोलह उन्नीस रन बनाए हैं मतलब यहाँ से दो सौ इकहत्तर के और बहुत ही

अब केप को टीम को दोस्तों 113 रन बचाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है एकदार पहली जीत अपनी दर्ज करनी है अगर मैं हरारे की अगर मैं बात करता हूं तो हरारे को दोस्तों 113 रन बनाने होंगे 10 ओवर में अगर हरारे 10 ओवर में 113 रन बनाते हैं तो उनके लिए दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी टीम जीतती है कौन सी टीम हारती है दोस्तों देखा जाएगा और इसी के साथ आपको इवनिंग ब्रेक यहाँ पर इतना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोगों के साथ जुड़ने के लिए अगर आप वीडियो आप कमेंट थोड़ी भी अगर पसंद आए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको बता देंगे हमारे पेज को जरूर फॉलो फॉलो करेगा और बता देंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों वहाँ पर क्योंकि खेला है दोस्तों यहाँ पर कैप्टाउन की टीम ने मगर यहाँ पर हम तारीफ़ करनी होगी दोस्तों हरारे की भी टीम के जिस तरह से यहाँ पर जो कि हरारे ने दोस्तों कम बैक किया यहाँ पर लगातार विकेट निकाले हैं उसी यहाँ पर विकेट के जरिए से दोस्तों टीम का स्कोर यहाँ पर कैप्टाउन का जो स्कोर था वो एक पर ही रह गया अब यहाँ पर साठ बोल में एक रन बनाने हैं क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर दोस्तों भाई लोगों आप ये बताइए कि हरारे की टीम क्या बना पाएगी और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि यहाँ से इनिंग ब्रेक के साथ हम आपके थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे दोस्तों जब इनिंग ब्रेक खत्म हो जाएगा तो हम आपके साथ लाइव आएंगे और फिर से दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों एक बार फिर से हम आपके जुड़ चुके हैं इनिंग ब्रेक अपडेट के बाद आप लोगों को बता रहे दोस्तों इनिंग इन ब्रेक यहां पर समाप्त होने वाला है दोस्तों कुछ ही देर में आपको बताते हैं दोस्तों कि दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो ग्राउंड में आ चुके हैं और इसी के साथ आपको बता दिया जाए कि हरारे की टीम को में रन की पर आवश्यकता है तो वहीं अगर मैं मैं की अगर मैं बात करता हूँ तो कैप्टाउन को एक रन नहीं बनाने देने होंगे देखेंगे कौन कौन सी सी टीम टीम दोस्तों दोस्तों इस इस मैच मैच में बाजी मारती है को हारती है जो भी टीम दोस्तों इस मैच को हारेगी वो जाएगी दोस्तों यहाँ पर पीछे घर और आने वाले दोस्तों जो मुकाबले होंगे जो भी टीम यहाँ से दोनों मैच है जो भी टीम दोस्तों हारती है उसके बारे जो आने वाले मुकाबले हैं उसको दोस्तों जो कि खतरनाक तरीके से हैं उनके लिए दोस्तों आगे का कैंपेन जो यहाँ पर कठिन होता जाएगा बिल और भी बदतर होता जाएगा तो कोशिश यही होगी दोस्तों दोनों टीमों की जो अपने जीत का जो आगाज़ है दोस्तों इस मैच के साथ करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे चाहे वो हरारे की टीम हो चाहे वो कैप्टाउन की टीम हो अगर मैं बात करता हूँ दोनों टीमों की और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कुछ ही देर में ये मैच यहाँ पर शुरू होने वाला है और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आपको बता दें की साझेदारी के की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों दोनों बल्लेबाज यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ पर अगर मैं हरारे की टीम की अगर मैं बात करता हूँ दोनों बल्लेबाज आपको मोबाइल की स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं एक तरफ दोस्तों ईवन लुइस और तो दूसरी तरफ यहाँ पर रॉबिन होता भारतीय खिलाड़ी ईवन लुइस यहाँ पर वेस्ट इंडीज के दोनों खिलाड़ी और जो बॉलर की बात करता है मुजीबर रहमान बहुत बड़ा यहाँ पर जो बॉर हैं बिल्कुल यहाँ पर स्पिन करते हैं जरा रूम नहीं देते हैं दोस्तों बल्लेबाज को यहाँ पर विकेट टू तो विकेट गेंदबाजी करते हैं इसी के सर आपको बता दें कि तीसरी पर तीसरी बॉल पर क्या बेहतरीन चौका देखने को मिला है यहाँ पर इवन लुइस लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और बिल्कुल क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं और तो और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आगाज हो चुका है दोस्तों यहाँ पर इवन लुइस का दो गेंदों में दो गेंदों में दो चौके हमें देखने को मिले इसी जो दो चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा नौ पर चार गेंदों में अभी भी यहाँ से दो गहने शेष बची हैं और दो गेंदों में देखेंगे की कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं तो कोशिश यही रहेगी दोस्तों की ज्यादा से ज्यादा दोस्तों हमें देखने को मिले मगर देखेंगे की यहाँ पर ओके पहले ही ओवर में और कितने रन बनाए जा सकते हैं कोशिश यही रहेगी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज्यादा रन पहले ओवर में आ जाए मतलब पावर प्ले में पावर प्ले में आपको और भी ज्यादा रन बनाने होंगे इसी के साथ में पाँचवीं बॉल लेकर तैयार है और बिल्कुल यहाँ पर जो कि पाँचवीं बॉल को गुड लैंड पर करा गया था मुझे रहमान का है ईवन लुइस ने जगह बनाई गेंद को खेला है यहाँ पर पॉइंट की दिशा में मतलब पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करा है गेप में नहीं खेल पाए थे अब गेप में नहीं खेला गेंद तो इसलिए नाराज़ है इवन लुइस अपने आप से और इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो कि आखिरी बॉल लेकर तैयार है आखिरी बॉल पर है मैं एक आउट डॉट में देखने को मिली अप्रूवल है दोस्तों करीबी मामला हो जाएगा मगर यहाँ आपको डॉट गेंद देखने को मिलेगी इसी के साथ ही मतलब इसने शुरुआती दो गेंदों में यहाँ पर दो चौके लगाए उसके बाद यहाँ पर मुजीबुर रहमान के द्वारा वापसी करी गई और इसी के साथ मुजीबुर रहमान ने पहले ओवर में नौ रन दिए इसी नौ रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा नौ रन हराने हरारे की टीम अब रॉबिन उथप्पा के अगर मैं बात करता हूँ तो रोविन उथप्पा के पास स्ट्राइक आ चुकी है वैसे दोस्तों रोविन उथप्पा इस साल खेले नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट से रॉबिन उथप्पा ने यहाँ पर सन्यास ले लिया है तो देखेंगे कि रोबिन उथप्पा किस तरह से खेलेंगे यहाँ पर समय ले सकते हैं रोबिन उथप्पा मगर समय लेने का समय नहीं है क्योंकि टी टेन है यहाँ पर सात सात घंटे होती हैं दोनों टीमों के पास और देखेंगे कि कौन सी टीम दोस्तों इस मैच में बाजी मारेगी और इसी के साथ में अगर मैं आपको स्कोर किया अगर मैं बता दूं दो दोस्तों यहाँ पर अगली बॉल देखेंगे कि अगला ओवर कौन सा लेके चलेगा और इसी के साथ में रिचर्ड नगारा दोस्तों पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं रिचिड तो नगारा देखेंगे कि रिचर्ड नगारा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे और जो कल यहाँ पर दिन रहा था रिचर्ड नगारा का वो काफी बुरा दिन रहा था रिचर्ड नगारा के लिए क्योंकि बता दें कि रिचर्ड नगारा ने काफी ज्यादा रन दिए थे काफी ज्यादा रन दिए थे यहाँ पर रिचर्ड नगारा ने कोशिश ये रही की कि दोस्तों निचड़ नकारा की यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों इस मैच को खेले और कोशिश ये रही दोस्तों के विकेट निकाल कर दें इसी स्तर में यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है राउंड्रॉफी थप्पा के लिए राउंड दिकेट दोस्तों यहाँ पर गेनिंग करने के लिए आएंगे मगर निचारा देखेंगे किस तरह से अगेन को खेलेंगे इसी में पहली बॉल लाने के लिए तैयार है निश्चित प्रकार रॉबिन थप्पा के लिए और रॉबिन उथप्पा दोस्तों भारतीय खिलाड़ी हैं तो कोशिश यही रहेगी दोस्तों आप उछाल का पसंद करते हैं इसी में पहली बॉल कदमों का इस्तेमाल करा गया बल्ले गेन का कोई भी संपर्क नहीं है तीसरी ही बॉल पर ऑन द राइज खेलने की कोशिश मगर डॉट गेंद हमें देखने को मिली पहली बॉल डॉट मतलब कह सकते हैं रॉबिन उथप्पा भी दोस्तों उन्होंने अपने हाथ अपने बातु है दोस्तों अपने कदमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तीसरी ही बॉल पर वैसे दोस्तों हम रॉबिन उथप्पा की अगर मैं बात करता हूँ तो रॉबिन उथप्पा दोस्तों इतनी जल्द इतने आक्रमक शैली के होते नहीं है

और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दिया कि क्या पर बेहतरीन छक्का में देखने को मिलेगा रॉबिन उथप्पा के बल्ले से और पहले छक्का दोस्तों इस मैच में पहला छक्का इस मैच में पहला छक्का दोस्तों इस इस यहाँ पर हम जो कि जिम्मा में पेमेंट लीग में रॉबिन उथप्पा के बल्ले से इसी के साथ दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा पंद्रह पर बिना किसी नुकसान पर और क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों रॉबिन उथप्पा चौथी बॉल पर सात रन आ चुके मतलब चौथी बॉल पर चार बॉलों में जो, जो कि सात रन बना चुके हैं थी। और का से जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर जो कि सोलह रन हो जाएगा बेहतरीन फील्डिंग के चक्कर में दोस्तों यहाँ पर जो चौका रोका गया था रोबिंद्र थप्पा ने लगातार कदमों का इस्तेमाल करा है रोविंद्र थप्पा के द्वारा मगर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से तीन गेंदें हुई हैं रिचर्ड नगारा की और रिचर्ड नगारा देखेंगे कि लास्ट के तीन गनों को किस तरह से निकालते हैं किस तरह से उनको यहाँ पर निकालते हैं कोशिश यही देगी रिचर्ड नगारा की यहाँ से विकेट मिल जाए दोनों तरीके दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक बल्लेबाज की तो कोशिश यही तो रहेगी दोस्तों यहाँ पर अगर दोनों बल्लेबाजों की अगर मैं बात करता हूँ चाहे वो यूल लुइस हो तो चाहे वो रॉबिन हो थप्पा हो तो वो तेज गति के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ पर देखेंगे कोशिश यही रहेगी दोस्तों पर देखेंगे कि अगले किस तरह से करते हैं इसी के साथ पर चौथी बॉल लेकर तैयार है ई लुइस के पास स्ट्राइक है लुइस अगली बॉल खेलने के लिए तैयार है लुइस ने यहाँ पर वाइड ऑवर दोस्तों बल्ले हल्के हाथों तो से खेला वाइड ऑर कर गेंद बल्ले से लगकर गेंद गई गें गें थर्डमैन की दिशा में थर्डमैन का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करेगा तब का तब तक आसानी से हमें एक रन देखने को मिला इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से सत्रह पर विय किसी नुकसान पर रॉबिन सप्पा के बाद एक बार फिर से दोस्तों स्ट्राइक आ चुकी है और जो रिक्वायर्ड रननेट है आपको बता दें वो साढ़े ग्यारह का है जो करंट रननेट है वो दस दस दो जीरो का है मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड रननेट करंट रननेट एक दूसरे से मैच मेल खाते हैं एक ही रन एक ही दो रन का अंतर है तो कोशिश ये करते हैं कर सकते हैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी को अंजाम दिया जा सकता है और अगर दोनों बल्लेबाज दोस्तों यहाँ से जो तो कि तीन या चार या पांच ओवर तक अगर यहाँ से पांच छह ओवर तक अगर दोनों बल्लेबाज दोस्तों इसी तरीके से खेलते रहे तो कोशिश कर सकते हैं कि हरारे की टीम इस मैच को दोस्तों बिल्कुल अपने तरीके से यहाँ पर काबू में कर ले गए पांच ही बॉल पर एक और सिंगल हमें देखने को मिला इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर अठारह पर बिना किसी नुकसान पर यहाँ पर पिछला ओवर में नौ रन आए थे तो यहाँ पर पांच गेंदों में नौ रन आ चुके हैं आखिरी बॉल का तैयार है फिर करा जाएगा आखिरी बॉल देखेंगे किस तरह से करा जाएगा यहाँ पर जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक यहाँ पर रही है अठारह गेने मतलब यहाँ से पांच गेने पांच गेने बची हैं पांच गेने में कोशिश यही रहेगी सर में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर हो जाएगा अठारह रन पर रॉबिन उथप्पा छह बोलों में नॉर्मल बनाकर खेलते हैं उनके साथी खिलाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो विवान लुइस की तो विवान लुइस पांच गेनों में नॉर्मल बनाकर खेलते हैं मगर दोनों बल्लेबाज यहाँ पर नॉर्मल रन बनाकर खेलते हुए इसी में रचित रचिड राउंड द विकेट से आए हैं दोस्तों लुइस के लिए तैयार है अगली बॉल दोस्तों करीब बता दें की यहाँ पर बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर बल्ला को चलाया और दोस्तों बल्ले गेंद में कोई भी संपर्क नहीं उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर जो विकेट कीपर थे वो भी दोस्तों इस गेंद को नहीं रोक पाए क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा बाहर गेंद करी गई थी और इसी के साथ दोस्तों वाइट बॉल उस प्लस यहाँ पर फोर रन देखने को मिले मतलब यहाँ पर फ्री के पांच रन फ्री के पांच रन हमें देखने को मिले रिचर्ड नगारा यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर कि पहले ओवर में चौथा रन दे चुके हैं अभी भी दोस्तों यहाँ से यहाँ से अभी भी एक गेंद बाकी है रिचर्ड नगारा की चौदह रन आ चुके हैं इसी चौदह रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर तेईस रन विनायक से नुकसान पर अभी भी एक गेंद बची है इवान लुइस अगली बॉल लाने के लिए तैयार है रिचिड नकारा क्या एक और दोस्तों बड़ा शॉट हमें देखने को मिलेगा इस ओवर में मगर इस बार एक बार फिर से दोस्तों रिचिड नकारा यहाँ पर जो कि एंगल के साथ ये गेंद बाहर के लिए चली जाएगी एक और अतिरिक्त रन हमें देखने को मिला इसी एक और अतिरिक्त रन के साथ हमें रन जो की टीम का स्कोर हो चुका है चौबीस नुकसान पर आखिरी बॉल का तैयार है आप उनचास गेंदों में एट्टी नाइन रन चाहिए और दोस्तों क्या है उनचास गेंदों में एट्टी रन बन, बना पाएंगे क्या यहाँ पर कोशिश लगता है में पर अगली बॉल लेकर तैयार है। हैगारा रिचिड नगारा दोस्तों अपने कप्तान से बातचीत करते हुए जो कप्तान है दोस्तों यहाँ पर पार्थिव पटेल गेंदबाज रिचिड नगारा से बातचीत करते रहिए कि आप यहाँ पर तेज आपके पास गति है तो आप बिल्कुल बिल्कुल विकेट टू तो विकेट गेंदबाजी करिए आप ज्यादा कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश ना करिए अगर आप अतिरिक्त करेंगे तो हम कह सकते हैं इसी के साथ में पर अगली बॉल लेकर आते हुए पटकी बॉल कदमों का का इस्तेमाल करा कोई भी संपर्क नहीं उसी में और डॉट के चलते यहाँ पर दो ओवर में टीम का स्कोर हो चुका है चौबीस पर विनायक नुकसान पर रिचर्ड यहाँ पर रिचर्ड ने कहा पहले ओवर में आए पंद्रह रन मतलब लुइस छह बॉलो में यहाँ पर नौ रन और उसी किसान में रॉबिन थप्पा छह बॉलो में नौ रन बनाकर होते हुए और टीम का स्कोर हो चुका है, पर पर, छे रन, छे रन है, है और जिसके साथ दोस्तों चौबीस पर बिना किसी नुकसान पर कोशिश यही रहेगी यहाँ पर बड़े बड़े शॉट लगाने गए मगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कप्तान है यहाँ पर कप्टान के कप्तान आर्मी के मतलब यहाँ से कप्तान है वो कप्तान है यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ कि उनका नाम है पार्थिव पटेल भारतीय कप्तान है तो अपने एक्सपीरियंस का बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे मगर देखेंगे कि वो गेंद किसको देते हैं और इसी के साथ इंग्लैंड के यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया तो के बेहतरीन तेज गेंद बाद पीटर हैड्स गोलू पीटर हैड्स गोलू को गेंद उनके हाथों तो गेंद सौपी है देखेंगे है पीटर हैड्स गोलू किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे और यहाँ पर इसी में पीटर अपने अनुभव का इस्तेमाल जरूर करेंगे मगर पिछला जो कल का दिन था पीटर हैड्स गोलू के लिए काफी यहाँ पर बेहतरीन का दिन गया था इसी के स्थान में पीटर हैड्सोलू एक बार तैयार है फिर से गेंद लाने के लिए पहली बॉल यहाँ पर जो कि यहाँ पर रोमिन तप्पा के लिए राउंड द विकेट पटकी हुई गेंद दोस्तों गेंद लगी जाकर पैटो पर अपील करी जाती है मगर हम पायल दोस्तों ने कहा और यहाँ पर क्या रिव्यू लिया जाएगा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर रिव्यू नहीं लिया यहाँ पर लिया गया दोस्तों यहाँ पर कप्तान के कप्तान के द्वारा और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि यहाँ पर पहली बॉल का पर बहुत बढ़िया तरीके से पर एक सौ छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर पीटर हेडगलो की गेंद अंदर के लिए आई थी पेडो पर गेंद लगी थी और पहली बॉल हमें डॉट देखने को मिली इसी के साथ तरह अगली बॉल देखकर फिर तैयार है सामना फिर करा जाएगा दोस्तों यहाँ से रॉबिन उथप्पा के द्वारा कि रॉबिन उथप्पा अगली बॉल को कहाँ खेलते हैं रॉबिन उथप्पा ने दोस्तों गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला है थोड़ी सी बाहर गेंद करी गई थी जिसके कारण दोस्तों बल्ले का बाहरी किनारा लगा गेंद गई यहाँ पर थर्डमैन की दिशा में जब तक थर्डमैन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता तब तक आसानी समय एक रन देखने को मिला और इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपको बता दें कि 25 रन बिना किसी नुकसान पर आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट करिए उसका जवाब दिया, दिया जा सकता है आपको बिल्कुल दिया जाएगा यहाँ पर अली जान ने कमेंट करके दिया दोस्तों आपको और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर यहाँ से हो चुका है दोस्तों अगली बॉल यहां पर दो गेंदें हुई हैं तो दो गेंदों में अभी तक हमें जो रन देखने को मिले हैं वो दो गेंदों पर रन देखने को मिले हैं मात्र एक रन अभी भी चार गेंदें बची हैं और इवन लुइस देखें किस तरह से खेलते हैं इवन लुइस आज तक खेलना होगा अगर इवन इस मैच को जीतना है इसी के स्थान में तीसरी बॉल एक बार फिर से राउंड द विकेट से तैयार है तो लुइस जाने के लिए पटकी अगेन बाउंसर बाउंसर गेंद करी गई बाउंसर गेंद को दोस्तों हल्के यहाँ पर मारने की कोशिश जरूर करी गई मगर सही तरीके से यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाए पाएन लुइस और जिसके कारण दोस्तों गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में आसानी से एक रन में देखने को मिला इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से छब्बीस पर छब्बीस पर बिना किसी नुकसान पर आकर यहाँ पर तीन गेंदों में दो रन दिए हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बेहतरीन तरीके से हमें दो रन देखने को मिले इसी के साथ में यहाँ पर चौथी बॉल लाने के लिए तैयार है चौथी बॉल को देखेंगे किस तरह से खेलेंगे चौथी बॉल पर एक और सिंगल देखने को मिला है और सिंगल के साथ हमें और इसी के साथ दोस्तों बता की टीम का स्कोर हो चुका है सत्ताईस पर बिना नुकसान पर अभी भी दोस्तों यहां से दो गेंद शेष बची हैं और दो गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं तो कोशिश दोस्तों यही रहेगी दोनों बल्लेबाजों की

छक्का में देखने को मिला और इवन लुइस ने भी दोस्तों अपने हाल को पूरे तरीके से खोला और पीटर हैड्स गोलू के पहले ओवर में दोस्तों नौ रन आ चुके हैं पांच गेंदों में मगर देखेंगे कि इसके बाद दोस्तों किस तरह से करेंगे आखिरी बॉल लेकर तैयार है क्या आखिरी बॉल पर भी बड़ा शॉट लगाया जाएगा यहाँ पर इवन लुइस के द्वारा अगर इवन लुइस के अगर पाले में गेंद पड़ती है तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर जा चुके हैं जा सकती है दर्शकों में तो कोशिश यही कह सकते हैं पर 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 देखेंगे कि तक किस तरह से खेलेंगे इसी में जो आखिरी का तैयार है और टीम स्कोर हुआ है दोस्तों वो पर किस पर नुकसान और इसी रॉबिन में, में ग्यारह रन खेल रहे हैं वहीं लुई लुईस की मैं बात करता हूँ आठ बोलो में सोलह रन खेलते हुए दो रेट से पीटर हैड्स पांच बॉलों में नौ रन बनाकर खेलते हुए इसी में आखिरी बॉल और यहाँ पर रुक कप्तान है कप्टान स्नैप आदमी के एक कप्तान दोस्तों यहाँ पर बातचीत करते हुए अपने का, जो ये गेंदबाज है पीटर हैड्स से पर देखेंगे कि पर वो आखिरी किस तरह से करते हैं मगर पर अनुभव का इस्तेमाल करना होगा पीटर गुलू को और फील्डिंग में दोस्तों यहाँ पर कप्तान है विकेट से तैयार है पटकी हुई गेंद दोस्तों उठा के एक और बड़ा शॉट गेंद हवा में खड़ी हो गई है भी नीचे खिलाड़ी मौजूद है और आपको बता दें दोस्तों पहला विकेट हो सकता है बिल्कुल दोस्तों विकेट हुआ और आपको बता दें कि पहला विकेट आता हुआ लुइस का और यहाँ पर बता रहे दोस्तों बहुत बड़ा विकेट आता हुआ बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर बड़ा शॉट मारने की कोशिश भी करी गई थी उनके पाले में भी गेंद थी मगर बल्ला हाथ से घूम गया था जिसके कारण जो एलिवेशन प्राप्त होना चाहिए वो एलिवेशन नहीं प्राप्त हुआ और आखिरकार आखिरकार दोस्तों जो विकेट है वो हमें देखने को मिला है और इसी के साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ से टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर पर एक विकेट के नुकसान पर तीन ओवर की समाप्ति के बाद बहुत बड़ा विकेट दोस्तों कह सकते हैं और अंततः दोस्तों यहाँ पर विकेट प्राप्त हुआ और इसी के साथ दोस्तों बता रहे कि टीम का स्कोर हो चुका है 33 पर एक विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि आने वाले बल्लेबाज किनका नाम क्या होता है कौन से बल्लेबाज आते हैं और सीजन के समय क्या हम पर कप्तान मॉर्गन आएंगे या फिर दोस्तों नए बल्लेबाज हमें देखने को मिलेंगे इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी करी गई थी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे ईवान लुइस अंततः दोस्तों लुइस का जो विकेट है वो पीटर है निकाला और जो विकेट की शुरुआत है जो विकेट की दरकार है वो यहाँ पर विकेट की दरकार हो चुकी है और तेतीस यहाँ पर तैतीस रन पे गिरा पहला विकेट और जो यहाँ पर नजर बना के रखिए दोस्तों रिक्वायर्ड रन रेट पे करंट रन पर रिक्वाड यहाँ पर ग्यारह दशमलव चार तीन का चलता हुआ भाई करंट रन रेट की अगर मैं बात करूँ तो करंट रन रेट भी दोस्तों यहाँ पर ग्यारह का चलता हुआ और इसी के समय टीम का स्कोर हो चुका है टीम का स्कोर दोस्तों हो चुका है तेतीस पर एक नुकसान पर रॉबिन उथप्पा नौ बॉलों में ग्यारह रन बनाकर खेल रहे हैं खेल रहे हैं और जो नए गेंदबाज आए हैं उनका नाम है यहाँ पर डरवन फेरार्यू और डरवन फैरारियो लेकिन किस तरह से खेलेंगे श्रीलंका के तेज गति के गेंदबाज हैं वैसे यहाँ पर श्रीलंका में जो उनका जो यहाँ पर थोड़े मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं मैं कि अगर टी ट्वेंटी का अगर मैं बात करता हूँ इसी के साथ यहाँ पर बेक और दोस्तों बेहतरीन गेंदबाज़ आते हुए टॉम करन गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड के दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर

और इसी के समय अगर आपको स्कोर के अगर मैं बात बताता हूँ तो अभी भी दोस्तों टीम का स्कोर तैतीस ही है यहाँ पर रॉबिन उथप्पा दस बॉलों में ग्यारह रन बनाकर खेल रहे हैं टॉम टॉमकरन तैयार है दोस्तों अगली बॉल लाने के लिए टॉम करन राउंड द विकेट से पट गेंद दोस्तों उठा के गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से दोस्तों लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी यहाँ पर तीस आठ सर्कल में था मगर उसके ऊपर से गेंद को टपाया गया है और एक और बेहतरीन चौका हमें देखने को मिला है यहाँ पर रॉबिन उथप्पा के बल्ले से रॉबिन उथप्पा के बल्ले से निकला है पहला चौका इसी के साथ इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा सैंतीस बार विकेट के नुकसान पर चालीस गेंदों में छिहत्तर पर खेल रहे हैं यहाँ पर है, को यहां से छिहत्तर रन के यहां पर और दरकार है चालीस गेंदों में तो कह सकते हैं टॉम कर्न का ओवर दोस्तों ये बड़ा बनाना होगा और सीख साथ में स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर हो चुका है सैतीस बारे विकेट में अगली बॉल लेकर तैयार है दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉबिन बारह बॉलों में उन्नीस पहुंच चुके हैं यहाँ पर तारीफे काबिल दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए और सीख के साथ का हो जाएगा तो दोस्तों को कि यहाँ पर जो के चौथे ओवर की शुरुआत हुई थी जब चौथे ओवर यहाँ पर शुरुआत करने आए थे तो पहली बॉल डॉट थी उसके बाद लगातार दो चौके हमें देखने को मिले इसी दो चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा इकतालीस पर चौथी बॉल लेकर फिर तैयार है राउंड द विकेट दोस्तों अगली बॉल पटकी हुई गेंद यहाँ पर मगर इस बार और बल्ले गेन का सही तरीके से संपर्क नहीं हो पाया और जिसके कारण दोस्तों हमें एक ही रन में देखने को मिला इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से बयालीस पर एक विकेट के नुकसान पर अभी भी दो गेंदें शेष बची हैं इस ऊवर में दो गोची है देखेंगे दो गिनों में और कितने रन बनाए जा सकते हैं अगर अच्छे रन बन जाते हैं तो कह सकते हैं दोस्तों कि हमें इस मैच में मजा आएगा देखेंगे कि यहाँ पर एक और चौका आता है क्या डेविन फरारियो दोस्तों कुछ कहाँ पर खास काम कर पाएंगे डेविन फरारियो मगर कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि यहाँ पर अच्छे रन बना जाए बना दिए जाए इसी के साथ में यहाँ पर जो कि टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ से बयालीस पर नुकसान पर दो गेंदों में अगर एक चौका या एक छक्का बड़ी हिट आज आज जा, आ जाए तो कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर रन रेट है बिल्कुल लेवल में आ जाएगा इसी के साथ यहाँ पर पांचवी बॉल यहाँ पर डेविन ने पर कट करा और गेंद को दोस्तों गेम में नहीं खेल पाते जिसके कारण दोस्तों डॉट गेंद हमें देखने को मिली और हिट डॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा बयालीस पर एक विकेट के नुकसान पर रिकॉर्ड डॉट गेंद पर पहली बॉल डॉट उसके बाद चौथी बॉल डॉट माफी चाहूंगा दोस्तों पांचवी बॉल डॉट अभी भी यहाँ से एक गेंद स्टेज बची है तो हम जाएगी और तो आखिरी बॉल लेकर तैयार आखिरी बॉल को दोस्तों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला है दोस्तों एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोखिम बरा रन था दोस्तों जोखिम बरा रन था यहाँ पर डेविन फरारियो अपनी जान हथेली पर लेकर भाग रहे थे मगर यहाँ पर दो, दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर जो खुद किस्मत है यहाँ पर खुद यहाँ पर बाल बाल बचे दोस्तों डायरेक्ट हिट नहीं लगी इसी के साथ दोस्तों बता दें एक रन देखने को मिला इसी एक रन के बल्लेबाजी करी जा सकती है और इसी के साथ 36 गेंदों में 36 गेंदों में यहाँ से 70 रन की दरकार है और कितने रन बनते हैं 36 गेंदों में 70 रन की दरकार है और किस तरह से बल्लेबाजी को अंजाम दिया जा सकता है दोस्तों की यहाँ पर हरारे हेरिकेंस क्या बेहतरीन तरीके दो दोस्तों बल्लेबाजी करेगी तभी इस मैच को जीता जा सकता है छत्तीस गेंदों में सत्तर रन की दरकार है और रिक्वायर्ड हंड्रेड का अगर मैं बात करूँ दोस्तों ग्यारह दशमलव छह सात का चलता हुआ वही करंट हंड्रेड पर एक नजर बना के रखी करंट हंड्रेड भी दोस्तों साढ़े दस पॉइंट ग्यारह का होने वाला है और इसी साथ में नए गेंदबाज आ चुके हैं दोस्तों गेंद गेंदबाजी करने के लिए कलीम जन्नत पर की एक बेहतरीन गेंदबाज है दोस्तों इसी में पहली बॉल लेकर तैयार है पहली बॉल पर दोस्तों यहां पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए फरारियों ने खेला है गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ और लॉन्ग मोन पे तैनात है दोस्तों पार्थिक पटेल पार्थिक पटेल ने कैन को जल्द से फील्ड करा और जब तक दोस्तों एक ही पर एक ही रन हमें देखने को मिलेगा दो रन की मांग जरूर करी गई थी रॉबिन रॉबिनोत्थप्पा के द्वारा मगर एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा मगर बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग हमें देखने को मिली है इसी फील्डिंग के साथ में दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों चौवालीस पर एक विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए रॉबिन रॉबिनोत्थप्पा तेरह में दोस्तों बीस रन बनाकर खेल रहे हैं वहीं अगर डेविन फराडियो की अगर मैं बात करता हूं तो डेविन फराडियो तीन गेंदों में दो रन बनाकर खेलते हुए कलीम जनन ने पहली बॉल पर एक सिंगल दे दिया है अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं यहां से अगर मैं स्ट्राइक की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रैक पर आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर रॉबिन उथप्पा रॉबिन किस तरह से खेलेंगे और उथाप्पा के लिए, अगली बॉल लाने के लिए तैयार है और रॉबिन उथप्पा ने दोस्तों अपने अनुभव का इस्तेमाल करते बिल्कुल क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करा और जड़ दिया दोस्तों यहाँ पर आधे दर्जन रन मतलब छ का दोस्तों दर्ज दिया है और इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों पचास पर एक विकेट को नुकसान पर क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए और उसी के साथ गेन में छब्बीस पर हो चुका है टीम का स्कोर रॉबिन चौदह बोलों पर छब्बीस पर पहुंच चुके हैं इसी के साथ में तीसरी बॉल लाने के लिए तैयार है तीसरी बॉल पर क्या एक और बड़ा शॉट हो जाएगा मगर इस बार दोस्तों कलीन जन्नर ने बहुत ही बेहतरीन नंबर गेन करी और बिल्कुल क्रीज का दोस्तों क्रीज के एंड तक गेंद को लेकर आए इसी के साथ में अगर स्कोर की बात करता हूँ तो स्कोर हो चुका है यहाँ से इक्यावन पर एक विकेट को नुकसान परारियों के पास स्ट्राइक आ चुके हैं कलीन जन्नर ने देखेंगे किस रन करेंगे और इसी साथ में दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा तीन गनों में आठ रन कलीम जन्नत यहाँ पर डेविन फरारियो के पास स्ट्राइक है और डेविन फरारियो देखें किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे इसी साथ में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि दूसरी बॉल पर यहाँ पर डेविन फेरारियो ने भी दोस्तों अपने हाथ खोल हैं इसी के साथ दोस्तों बता दें कि डेविन फेरारियो ने बिल्कुल क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए जड़ दिया है बेहतरीन छक्का इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा साठ पर एक विकेट के नुकसान पर अट्ठाईस बोलों में त्रेपन रन की दरकार है कि अट्ठाईस बोलों में त्रेपन रन बन पाएंगे आप लोग दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट करिए आप देखेंगे कि दोस्तों किस तरह से रन बनाए जा सकते हैं कौन सी टीम यहाँ से, से जीत सकती है दोस्तों अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं इसी के साथ में एक और रन में देखने को मिला इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है एकसठ पर एक विकेट पर एक पर रॉविन थप्पा सोलह बोलो में यहाँ पर उन्तीस पे खेल रहे हैं उसी के साथ में डेविन फराडियो की अगर मैं बात करता हूँ डेविन फराडियो आठ बॉलो में दस रन बनाकर खेलते हुए खेल रहे हैं पीटर हैड्स गेलू यहाँ पर जो कि दूसरे ओवर के तीन गेने कर चुके हैं तो तीन गेन में उन्होंने सात रन दे दिए हैं अभी भी यहाँ से तीन गण शेष बची हैं तो तीन गेंदों में रखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं तो कोशिश है यहाँ पर हो सकती है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी को अंजाम दिया जा सकता है और रॉबिन उथप्पा को एंड तक खेलना ही होगा अगर इस मैच को यहाँ पर जिताना है रॉबिन उथप्पा को और उसी तरह में यहाँ पर एक और दिशाहीन गेंद हमें देखने इसी दिशाहीन गेंद के साथ एक और अतिरिक्त रन बनाया अब सत्ताईस बोलों में सत्ताईस बोलो में यहाँ से कह सकते हैं कि सत्ताईस बोलों में यहाँ से क्योंकि इक्यावन रन की दरकार है धीरे धीरे यहाँ पर पीटर हैट्स का दूसरा जो ओवर है वो महंगा होता जा रहा है धीरे धीरे और बासठ पर पहुंच चुका है टीम का यहाँ पर खेमा अब यहाँ पर जो की चौथी बॉल लेकर तैयार है चौथी बॉल पर दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करा गया रोविंद थप्पा को दोस्तों खड़े पर खड़े खड़े नहीं खेला है गेंद को और डॉट गेंद हमें देखने को मिला इसी के साथ दोस्तों बता दे कि यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर बासठ पर और धीरे धीरे जो सासे है वो थमती दिख रही है और यहाँ पर हैरी कैंस की हरारे हैरी कैंस की इसी के में यहाँ पर पांचवी बॉल लेकर तैयार है पाँचवीं बॉल पर हमें एक और सिंगल देखने को मिलेगा उठाकर इनको खेला है मगर बल्ले के इनका सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ और जिसके कारण दोस्तों में आसानी से एक रन देखने को मिलेगा इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा तिरसठ पर विकेट के नुकसान पर पच्चीस बॉलों में यहाँ पर पचास रन की दरकार है कौन सी टीम बाजी मारेगी कौन सी की टीम दोस्तों वहाँ पर खाली हाथ जाएगी और इसी के साथ पच्चीस बॉल में पचास रन की दरकार है रिक्वायर्ड रननेट की अगर मैं बात करता हूँ तो रिक्वायर्ड रननेट यहाँ से पहुंच चुका है बारह पर और देखेंगे यहाँ पर टीम का स्कोर दोस्तों पच्चीस बॉलों में पचास पर इसी के सर में आखिरी बॉल लेकर तैयार तो है आखिरी बॉल देखेंगे आखिरी बॉल बॉलो तो करीबी मामला हो सकता है मगर आखिरी बॉल पर एक और सिंगल हमें देखने को मिला और इसी सिंगल के साथ दोस्तों माफ़ी चाहूंगा आखिरी बॉल पर सिंगल नहीं लिया गया था यहाँ पर करीबी मामला हो सकता था इसी के साथ आपको बता दें कि लास्ट की चौबीस गेंदे बची हैं लास्ट की चौबीस गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं इसी के साथ दोस्तों लास्ट के चौबीस गेंदों में पचास रन चाहिए मतलब साढ़े बारह प्रति रन साढ़े बारह प्रति रन यहाँ पर बना पाएंगे या नहीं रॉबिन उथप्पा को अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा और इसी के साथ में डेविन फेरारियो की अगर मैं बात करता हूँ तो डेविन फरारियो यहाँ पर युवा खिलाड़ी हैं और उनके जो साथी खिलाड़ी हैं रॉबिन उथप्पा वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी तो कोशिश ये करेंगे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए जाए और तेज गति के साथ रन बनाए जाएँ दोस्तों दोनों बल्लेबाजों को आप समय आ चुका है कि बड़े बड़े शॉट लगाकर इस मैच को दोस्तों खत्म करने की लास्ट की चौबीस घंटे बची हैं और लास्ट की चौबीस गेंदों में यहाँ पर पचास रन की दरकार है कौन सी टीम दोस्तों बाजी मारेगी कौन सी टीम दोस्तों खाली आ जाएगी और कुछ ही देर में पता चल जाएगा इसी के में दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर अगला ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आता है मगर आपको बता दें दोस्तों अगला ओवर रिचर्ड नगारा लेकर आते हुए यहाँ पर सातवां ओवर रहेगा और रिचर्ड नगारा देखेंगे किस तरह से बल्ले गेंदबाजी करेंगे और रिचर्ड नगारा का पहला ओवर दोस्तों महंगा रहा था काफी रन आते इसी में पहली बॉल हैं तैयार है खेला है यहाँ पर गैप में दो रन की मांग करी गई यहाँ पर रॉबिन ने थप्पा खेले मगर एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर यहाँ से पहुंच जाएगा दोस्तों चौसठ पर एक विकेट के नुकसान पर अब तेईस रन तेईस गेंदों में यहाँ पर उनचास रन की आवश्यकता है और धीरे धीरे दोस्तों जो यहाँ पर स्कोर है जो जो धीरे धीरे पर रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ते जा रहा है यहाँ पर लगातार और जैसे जैसे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा वैसे वैसे, वैसे यहां पर दिक्कत का सामना करेंगे यहाँ पर जो कि हैरीकेंस के बल्लेबाज अब यहाँ पर अगर मैं आपको बता दू कि यहाँ पर जो की उथप्पा रॉबिन उथप्पा उन्नीस बॉलो में इकतीस पर खेल रहे हैं वहीं डेविन फरारी नौ बॉलो में यहाँ पर वो दस पर खेलते हुए आप देखेंगे कि रॉबिन अगर अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर डेविन फरारियो दोस्तों यहाँ पर नौ बोलो में दस रन बनाकर खेल रहे हैं तो पर डेविन को तो से रन बनाने पड़ेंगे इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से रिचिड नगारा ने लोग यहाँ पर पटकी हुई गेंद दोस्तों बहुत ही समय मिली पर डेविन फरारियो को डेविन फरारियो ने दोस्तों बिल्कुल क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जड़ दिया है बेहतरीन चौका और उसी चौके के साथ यहाँ पर पर है दोस्तों पहुंच चुकी है यहाँ पर पर एक रटेट के नुकसान पर बयालीस बोलो में पैंतालीस रन की दरकार है रिचिड नगारा धीरे धीरे महंगा साबित होते हुए और इसी के साथ मैं अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर हो चुका है अठसौ रन और दोस्तों बता दें कि अभी भी यहाँ पर वापसी कर सकती है हरारे की टीम मगर रॉबिन उथप्पा दोस्तों यहाँ पर जो कि फरारियों का बल्ला चलना बहुत ही जरूरी है अगर बल्ला चलता है तभी तो दोस्तों मैच बनेगा और उसी के साथ पर बॉल देखा रिचिड नगर ने पटके हुई गेंद दोस्तों एक बार फिर दे दोस्तों डेविन फरारियो ने उठा के गेंद को खेला है और दोस्तों बता दें कि बल्ले गेंद खेलने यहाँ पर बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क हमें देखने को नहीं मिला है और जिसके कारण दोस्तों गेंद लगी जाकर बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर स्टंप में बल्ले गेंद का कोई भी संपर्क नहीं मिस आई हिट वाला सिल्तला चलता हुआ। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ से तीसरी बॉल पर एक और विकेट गिरा इसी विकेट के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा अड़सठ पर दो विकेट को नुकसान पर तीसरी गेंद पर मतलब तीन गेंदों में पांच और अभी भी तीन गेंद बाकी है मतलब बहुत बड़ा बहुत बेहतरीन ओवर यहाँ पर डालते हुए अपने लिए अगर मैं बात करता हूं तो 21 बॉलों में यहां पर 45 रन की आवश्यकता है और देखेंगे किस तरह से वापसी करी जा सकती है।, तो कि कि है वो उठानी पड़ेगी लगातार दोस्तों जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तभी दोस्तों मैच बनेगा और सीख में अगर मैं बात करता हूँ तो डेविन फरारियो की जगह यहाँ पर आ चुके हैं योन मोर्गर कप्तान है दोस्तों यहाँ पर हरार हेरिकेंस के कप्तान है योन मोर्नगर और रिचर्ड नगारा यहाँ पर जो कि बीस रन बनाकर खेल रहे हैं बीस रन देकर खेल रहे हैं विकेट भी रिकारा लास्ट के तीन गेंदें बची हैं उनकी और देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर रिचर्ड नगारा किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं और इसी के साथ में पहली बॉल लाने के लिए यहाँ पर तैयार है रिचर्ड नगारा की और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर स्कोर हो चुका है स्कोर हो चुका है दोस्तों अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अड़सठ पर दो विकेट के नुकसान पर यहाँ पर अगली पहली और बीस ओवर की चौथी बॉल खेलने के लिए तैयार हैं यहाँ से जो कि यून मॉर्गन युवर मोर्गन चौथी बॉल है यहाँ पर खेलेंगे यहाँ पर योन मोर्गन देखेंगे कि पहली बॉल से दोस्तों बड़े शॉट लगाने की कोशिश करेंगे या फिर दोस्तों पहली बॉल को यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से खेलना होगा मगर एन मोर्गन दो बल्लेबाज दोनों बल्लेबाज दोस्तों बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और शिक्षा में रिचर्ड नगारा आ यहाँ पर बीस रन देकर दोस्तों एक विकेट ले आए अभी भी यहाँ पर तीन गेंद शेष बची हैं तो तीन गेंदों में देखेंगे कि कम से कम दस रन आए दोस्तों जो टीम का सिलसिला है वो बिल्कुल बना रहे

अब देखेंगे कि रॉबिन उथप्पा को दोस्तों वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी वो समय आ चुका है हाथ खोलने का अब मगर देखेंगे कि अगर इस मैच को दोस्तों यहाँ पर जिता सकता है तो रॉबिन उथप्पा यो यौन मोर्खन ही इस मैच को जिता सकते हैं मगर देखेंगे है कि यहाँ पर रॉबिन उथप्पा को वह अंत तक खेलना होगा अभी भी दोस्तों यहाँ से चार गेंद हुई है तो चार गेंदों में जो रन बने हैं वो रन बने हैं मात्र मात्र छह रन इसी के साथ में रिचर्ड राउंड द विकेट से तैयार है विकेट से लेकर आए दोस्तों यहां पर गोडलैंड पे गेंद को पटका दोस्तों बल्ले ने गेंद का कोई भी संपर्क हमें देखने को नहीं मिला इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर दूसरा विकेट जाता हुआ ये बहुत बड़ी मछली फसाई है दोस्तों यहाँ पर रिचर्ड नगारा ने रॉबिन उथप्पा बीस बोलों में यहाँ पर इकतीस बनाकर जाएंगे और यहाँ पर कुछ खास योगदान नहीं दे पाए यहाँ पर रॉबिन उथप्पा बीस बोलों में इकतीस रन बहुत महंगा दोस्तों बहुत बड़ा विकेट आता हुआ रॉबिन उथप्पा के रूप में और इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर इस मैच का रुख ही पलट दिया है रिचर्ड नगारा ने पिछला ओवर दोस्तों यहाँ पर नौ रन का रहा था तो मास्क ओवर में यहाँ पर छह रन आए हैं रिचर्ड नगारा का पहला ओवर पंद्रह रन का उसका बाद यहाँ पर रिचर्ड नगारा ने बिल्कुल यहाँ पर खेल का यहाँ पर पासा ही पलट दिया है और आखिरी बॉल पर 19 बॉलों में यहाँ से 44 रन की दरकार है कैसे यहाँ पर जो इस टीम की नैया है वो कौन पार निकालता है देखेंगे दोस्तों इसके बारे क्या, तो में क्या हमें देखने को मिलेंगे इरफान पठान देखने को मिल सकते हैं या फिर दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर मोहम्मद नबी मेरे हिसाब से दोस्तों मोहम्मद नबी को आना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर मोहम्मद नबी आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए और इसी के साथ दोस्तों मगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ आप लोग बताइए दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सी टीम जीत सकते हैं मेरे हिसाब से दोस्तों अब धीरे धीरे यहाँ पर जो पकड़ है वो बनाई जा रही है दोस्तों यहाँ पर ओके की कैप्टाउन स्नैप आर्मी की मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मैच मेरे हिसाब से दोस्तों ये मैच यहाँ पर ये हरारे हैरी कैंस ही जीतेगी मेरे को ऐसा लग रहा है ना वालों को ये मैच हरारे हैरी कैंस ही जीतेगी और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि पाँचवीं बॉल पर गा विकेट यहाँ पर मोहम्मद की रॉबिन थप्पा का बहुत बड़ा विकेट था मगर मोहम्मद अभी दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं काम और इसी के साथ मैं स्कोर के अगर मैं बात करता हूँ और आप मेरी बात ये ध्यान रखिए हो मैं अंत तक मैं हरारे हेरी कैंस के साथ ही रहूंगा और सिक्स मेंगारा तैयार है इस, इस आखिरी बॉल लाने के लिए आसानी से दोस्तों आखिरी बॉल पर एक रन देखने को मिला इसी एक रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा सात ओवर की समाप्ति पर सत्तर रन तीन विकेट के नुकसान पर मतलब यहाँ से अठारह बोलों में तैंतालीस रन की है मतलब चाहे हर ओवर में आपको चौदह रन बनाने होंगे तब यह मैच यहाँ पर जीता जा सकता है मगर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वापसी करी जाएगी हरारे हरी कैंस यहाँ पर क्या वापसी कर पाएगी दोस्तों क्या यहाँ पर हरारी कैरी कैंस दोस्तों कुछ यहाँ पर कुछ जादू कर पाएगी इसी के साथ में मोहम्मद नबी यून मोर दोनों के पास काबिलियत है दोस्तों बड़े बड़े शॉट लगाने की बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर मैच को यहाँ पर रोक पलटने की मगर देखेंगे किस तरह से करा जाएगा और इसी के साथ में अगर मैं बात बात करूँ दोस्तों यहाँ पर करंट करंटेट जरूर यहाँ पर दस का चल रहा है रिक्वायरमेंट जरूर यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ कि चौदह का है मगर यहाँ पर काम हो जाएगा काम हो जाएगा दोस्तों ऐसा लग रहा है उसी के स्थान में आपको बता दें कि यहाँ से अट्ठारह गेंदों में तैतालीस रन की दरकार है मोहम्मद नमी एक गेंद पर एक बनाकर खेल रहे हैं योन मोरगन भी एक रन पर बनाकर खेल रहे हैं और इसी के साथ में यहाँ पर सात ओवर की समाप्ति पर चिट नकार ने अपना काम कर दिया है हैकारा ने दो ओवर में बाईस रन देकर दो महत्वपूर्ण तो विकेट निकाले वो भी एक ही ओवर में पहले दोस्तों यहाँ पर निकाला है यहाँ पर फेरारियो का डेविन फेरारियो का उसके बाद योन माफी चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर रॉविन उथप्पा का इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर जो कि अगला ओवर दूसरा ओवर लेकर आएंगे मुझी वो रहमान अपना मुझी वो रहमान दोस्तों अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं दूसरी ओवर में पहली बॉल लेकर तैयार है अगली बॉल दोस्तों यहाँ पर राउंड द विकेट से मुझी वो रहमान पटके हुए हैं दोस्तों बॉल यहाँ पर बल्लेबाज ने मिस करी है साथ में दोस्तों विकेट कीपर ने भी मिस करी है बाइक है दोस्तों दो रन आते हुए इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा बहत्तर रन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है मुझे वो रहमान का कम से कम इसमें पंद्रह से सोलह रन का आना चाहिए

अब दोनों बल्लेबाजों को अंत तक खेलना होगा अगर इस मैच को दोस्तों अपनी टीम के नाम करना है इसी के साथ सोलह गेंदों में सोलह गेंदों में सात रन की आवश्यकता है मुजीब और रहमान दो गेंदों में छह रन दे चुके हैं चार बॉलों में अगर दस रन और दे देते हैं इसी के साथ में तीसरी बॉल तैयार है तीसरी बॉल दोस्तों यहाँ पर पटकी हुई गेंद दोस्तों उठा के गेंद को खेला है पीछे खिलाड़ी मौजूद है क्या कैच हो जाएगा और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कैच छोड़ दिया गया है कैच छोड़ा गया है कैच छोड़ा गया है या मैच मुझ छोड़ा गया है वो देखा जाएगा और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ा दोस्तों विकेट हो सकता था बहुत बड़ा विकेट हो सकता था मगर आपको बता दें दोस्तों कैच छोड़ दिया गया है कैच छोड़ा गया है या मैच छोड़ा गया है वो पंद्रह गेंदों के बाद पता चल जाएगा और इसी दो रन इसी दोस्तों दो रन दो के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा अठहत्तर पर तीन विकेट को नुकसान पर पंद्रह गेंदों में पैंतीस रन की यहाँ पर आवश्यकता है और देखेंगे कि यहाँ पर मोहम्मद नबी दोस्तों बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं बिल्कुल दोस्तों मैच का रुख पलट सकते हैं तो उनका कैच दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसी के स्थान में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर तीन गेटें शेष बची हैं तीन गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं बनाए जा सकते हैं इसी के साल में जो रिक्वायर्ड रेट है वो दोस्तों सौ चौदह का आ चुका है और चौदह के साथ दोस्तों देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर मौका लग रहा है दोस्तों यहाँ पर टीम जीत सकती है या नहीं वो बताया जाएगा और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पंद्रह गेंदों में यहाँ पर पैंतीस रन की आवश्यकता है मोहम्मद अभी चार बोलों में दोस्तों यहाँ पर नौ रन बनाकर खेल रहे हैं फील्डर इंजर्ड है दोस्तों यहाँ पर कोशिश तो बेहतरीन तरीके से करी गई थी यहाँ पर फील्डर के द्वारा मगर यहाँ पर दोस्तों बता दें कि थोड़ी से दूर रह गए थे कोशिश तो अटैम्प्ट बहुत अच्छा लगाया था मगर भले का दोस्तों आप सही तरीके से यहाँ पर नहीं हो पाया उसी के साथ में डॉट गें हमें जो कि जो कैच छोड़ दिया कहता है मगर आप जिस लेवल पर यहाँ पर फील्डिंग करते हैं तो उस लेवल पर दोस्तों आपको ये ऐसे कैच बुनाने पड़ते हैं इसी के साथ में दोस्तों ट्रीटमेंट चलता हुआ है यहाँ पर डॉक्टर आ चुके हैं दोस्तों और इसी के साथ में ट्रीटमेंट चलता हुआ यहाँ पर फील्डर का फील्डर इंजर्ड है दोस्तों उसकी दवाई दवाई चलती हुई इसी के साथ में आपको बता बताने कि जब तक यहाँ पर खेल रुका हुआ है तब तक दोस्तों आप लोग हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको जरूर लाइक करिएगा और इसी के साथ में तीन यहाँ पर अठहत्तर रन तीन विकेट के नुकसान पर पंद्रह गेंदों में दोस्तों पंद्रह गेंदों में पैंतीस रन की आवश्यकता है मुजीबुर रहमान दोस्तों यहाँ पर जो की पहला ओवर समाप्त हो चुका है दूसरा ओवर ला रहे तो दूसरे ओवर में इन्होंने अभी तक यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरे ओवर में इन्होंने यहाँ पर जो कि तीन गेंदों में आठ रन दे चुके हैं तो तीन गेंदों में आठ रन देने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर मोहम्मद अभी किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे चार गेंदों में दोस्तों नौ रन बनाकर खेलते हुए और यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है अठहत्तर पर तीन विकेट के नुकसान पर अभी भी यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं कि हरारे की टीम दोस्तों अगली बॉल लाने के लिए तैयार मोहम्मद नबी पटकी हुई गए दोस्तों पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कराया गया है इस बॉल डे दे की दिशा में मारा और दोस्तों वहाँ पे कोई भी यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद नहीं था और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जले पे नमक जले पे नमक छिड़का गया है मोहम्मद नबी का इससे पहले दोस्तों यहाँ पर दूसरी बॉल पर चौका यहाँ पर कैच छोड़ा गया था और इसके अगली गेंद पर यहाँ पर चौका आया इसी के साथ में मुजीब और रहमान बारह रन दे चुके हैं बारह रन देने के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा बी पर लास्ट की दो गेंदे बची हैं लास्ट की दो गेंदों पर अगर यहाँ से रन आ जाते हैं अच्छे खास है तो कह सकते हैं दोस्तों कि एक मामला हो जाएगा इसी के साथ में यहाँ पर आ गया पांचवी बॉल लेकर तैयार है पांचवी बॉल दोस्तों एक बार फिर से उठा के, के गेंद को खेला है लॉन्ग की तरफ मगर लॉन्ग का खिलाड़ी दोस्तों जो काफी ज्यादा पीछे होने के कारण और टाइमिंग सही तरीके से नहीं हो पाई थी मुजीब उर रहमान की इस गेंद पर और यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों डॉट गेंद इसी डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर तिरासी पर तेईस विकेट के नुकसान पर तेरह बोलों में यहाँ पर तीस रन की आवश्यकता है और देखेंगे कि यहाँ पर योन मॉर्गन के पास स्ट्राइक है कप्तान का बदला चलना तरफ चलना बहुत ही जरूरी है अब जब तक कप्तान का बदला चलेगा तभी तो दोस्तों मैच यहाँ पर बनेगा बना धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर जो कि ऊपर मुश्किलें पैदा हो सकती है, है हरारे हैरी कैंस के सामने तेरह बोलों में उनतीस रन क्या मैच जीतेगा क्या मैच जीता पाएंगे दोस्तों दोनों बल्लेबाज मोहम्मद नमी के ऊपर दोस्तों ज़्यादा प्रेशर है ऐसे में आखिरी बॉल मुजीब रहमान तैयार तो है मुजीब रहमान ने आखिरी बॉल को दोस्तों थोड़ा सा खींचा हुआ रखा और योन मोर्गन ने गेंद को कट करा के जब तो तो तक गेंद को गेंद फील्ड करते हैं तो तब तक आसानी से एक रन हमें देखने को मिला इसी एक रन के साथ ने टीम का स्कोर हो चुका है विकेट नुकसान आठ तो पर की समाप्ति के बाद लास्ट की बारह गेंदें शीत बची हैं बारह गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं दोनों नंबरों के द्वारा जो स्ट्राइक पर रहेंगे वो योन मोरगन रहेंगे और आपको बता दें यहाँ पर मुजीब रहमान तैयार हैं दोस्तों दो गेंदों में पर गेंस रन दिया मुजीब रहमान ने आज दोस्तों विकेट नहीं निकाल पाए हैं मगर कोई बात नहीं उन्होंने दोस्तों बेहतरीन गेंदबाजी करी इसी गेंदबाजी के साथ आठ ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर दोस्तों हो चुका है चौरासी पर तीन विकेट के नुकसान पर योर मॉर्गन दो गेंदों में दो रन बनाकर खेलते हुए अब योन मॉर्गन के पास स्ट्राइक रहेगी देखेंगे रहे रहे कि अगर लास्ट के बारह गेंदें बची हैं लास्ट के बारह गेंदों में रखेंगे और कितने रन बनाए जा सकते हैं और इसी के साथ में स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बारह गेंदों में उन्तीस रन दरकार है और क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि क्या यहाँ पर ये गेंद बहुत बड़ा दोस्तों निर्णय है कि एक ओवर यहाँ से टॉम करण का बाकी है दोस्तों एक ओवर यहाँ पर पीटर का बाकी है मगर देखेंगे कि दोस्तों क्या अगर जब रन जो रन बचाने होते हैं तो यहाँ पर क्योंकि दसवीं ओवर से यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर क्योंकि नवा ओवर होता है इसी क्रम में टॉम करण तैयार है दोस्तों टॉम करण अगली बॉल लाने के लिए तैयार है राउंड द विकेट से पटकी हुई गेंद दोस्तों यहाँ पर दो इंग्लैंडी खिलाड़ी एक दूसरे के सामने टॉम करन ने अपने पूर्व कप्तान का विकेट निकाला है दोस्तों पटकी हुई गेंद पर और आपको बता दें पर पर बेहतरीन 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 दोस्तों की धड़कड़े है वो यहाँ पर थमती हुई दोस्तों इसी के साथ में स्कोर पहुंच चुका है दोस्तों यहाँ पर और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि पहली गेंद पर पहला विकेट वो भी यहाँ पर कप्तान और मॉर्गन का और यहाँ पर सांसें थम जाएंगी ऐसा लग रहा है कि बहुत यहाँ पर करीबी मामला हो जाएगा और इसी के साथ में टॉम करन यहाँ पर पहली गेंद पर पहला विकेट निकालता है दोस्तों अब आपको बता दें ये जानकारी आपको देना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पर जो कि टॉम करन यून मॉर्गन की कप्तानी में खेल चुके हैं वो भी इंग्लैंड में तो उनकी नेशनल टीम है और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर यू मॉर्गन मोर्न बहुत बड़ा विकेट आया है यहाँ पर विकेट दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं और इसी के साथ में स्कोर वहाँ पर हो चुका है दो तीन गेनों में तीन गेनों में दो रन बनाकर अपना विकेट यहाँ पर देंगे कॉमकर्न तो को और इसी के साथ में दोस्तों देखेंगे कि जो नए बल्लेबाज आते हैं वो कौन से बल्लेबाज आते हैं इसी के साथ में आपको भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद यहाँ पर इरफान पठान इरफान पठान आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए इरफान पठान पहली बार दोस्तों यहाँ पर जिम्मा में प्रीमियर लीग में यहाँ पर जो कि बल्लेबाजी करते देखेंगे इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि आपने इरफान पठान का बल्ला किस तरह से चलता है मगर इरफान पठान दोस्तों उनके पास वो काबिलियत है कि मैच का रुख पलट सकते हैं और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है इसी के साथ में अगली बॉल इरफान पठान के लिए पटकी हुई गेंद दोस्तों इरफान पठान ने यहाँ पर बल्ला जोर से घुमाया है और गेंद जा रही है यहाँ पर बाउंड्री लाइन की तरफ दोस्तों यहाँ पर फील्डर ने यहाँ पर कोशिश तो बेहतरीन करी थी और यहाँ पर बेहतरीन चौका पाया है बाउंड्री चेक जरूर करी जाएगी मेरे हिसाब से दोस्तों चौका आ चुका है दस बोलों में अब चाहिए पच्चीस रन दस बॉलों में पच्चीस रन किस तरह से बनाए जाएंगे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोस्तों हम उम्मीद है उम्मीदें अभी भी यहाँ पर कायम है ऐसा लग रहा है दोस्तों इरफान पठान जब तक जीवित है इरफान पठान मोहम्मद नबी दोस्तों तब तक यहाँ बता दें कि इस मैच की शांत चलती हुई है यहाँ पर हरारे हैरी कैंस बिल्कुल दोस्तों इस मैच में बनती हुई इसी के स्थान में दस ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पच्चीस हो चुका है और दस बोल में पच्चीस रन की आवश्यकता है और देखेंगे किस किस तरह से रन बनाए जा सकते हैं इसी के यहाँ पर देखिए टीम का स्कोर अट्ठासी पर चार विकेट के नुकसान पर टॉम करण के अभी यहाँ से चार के निश्चित बची है और बाउंड्री चेक जरूर खरीद आ रही है मैं आपको बता दूँ दोस्तों बाउंड्री चेक करने का कोई भी फायदा नहीं है अगर मैंने बोल दिया है यहाँ पर चौका है तो चौका ही है और पार्क का निर्णय भी चौका ही रहेगा क्योंकि हमारे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर गेंद वहाँ पर बाउंड्री लाइन को छू गई है और आपको बता रहे दोस्तों यहाँ पर बाउंड्री और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पर टीम का स्कोर दोस्तों हो जाएगा एक और अतिरिक्त रन में देखने को लगा इसी अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से इसी के साथ दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा पर पर चार विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे दोस्तों ये हुआ थोड़ा सा महंगा होता हुआ दिख रहा है और रन में यहाँ पर टीम का स्कोर दोस्तों दस गेनों में छब्बीस रन की आवश्यकता है दस गेंदों में छब्बीस रन की आवश्यकता है और सीखन में दोस्तों पर दूसरी बॉल पर तीसरी बॉल पटकी हुई गेंद दोस्तों कट करने की कोशिश का कोई भी संपर्क नहीं और डॉट गेंद जैसे जैसे दोस्तों डॉट गेंद होती जाएंगी और वैसे वैसे दोस्तों सांसे थमती जाएंगी यहाँ से सा थमती जाएंगी दोस्तों हवा दोस्तों यहाँ पर हरारे की अब नौ बॉलो में चौबीस रन की आवश्यकता है नौ बॉलो में चौबीस रन क्या बना पाएंगे दोस्तों और आपको बता दें कि 18 18 गेम माफी चाहूंगा दोस्तों आपको याद नहीं होगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था विराट कोहली हार्दिक पांड्या खेल रहे थे आठ बोलों में पच्चीस रन चाहिए थे आठ बोलों में पच्चीस रन चाहिए थे और विराट कोहली ने आठ गेंदों में पच्चीस रन बनाए थे इसी के साथ में आठ बोलों में आप यहाँ से आठ बोलों में तेईस रन चाहिए है क्या इस पठानिया मोहम्मद नबी वो काम कर सकते हैं जो यहाँ पर विराट कोहली ने अपने देश के लिए किया था इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है नब्बे चार विकेट के नुकसान पर और यहाँ से टॉम करन ने दोस्तों बेहतरीन गेंदबाजी करी है टॉम करन ने यहाँ पर दूसरी बॉल पर चौका आया था उसके बावजूद भी लास्ट की दो गेंदों में और मात्र एक ही रन दिया है तो कह है सकते हैं दोस्तों यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर टॉम करन ने यहाँ पर बेहतरीन वापसी कराई अपनी टीम की यहाँ पर अट्ठारह गेंदों में तैतालीस रन बन सकते थे इसी कदम यहाँ पर जो कि पांचवी बॉले का तैयार है पांचवी बॉल में मोहम्मद नबी एक और रन हमें देखने को मिलेगा पटकी हुई गेंद थी यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करा गया है मगर हवा में गेंद थी मगर सही तरीके से जो एलिवेशन प्राप्त होना चाहिए वो एलिवेशन हमें नहीं देखने को मिला अब एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ से वो कि दोस्तों यहाँ पर इक्यानवे चार विकेट के नुकसान पर सात बोलो में बयालीस रन की दरकार है यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं एक बार फिर से इरफान पठान इरफान पठान के सामने यहाँ पर टॉम करण टॉमकरण की जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम टॉम करन ने दोस्तों बहुत बड़ा करी है कर उसी में आखिरी आखिरी बॉल लेकर तैयार है टॉम कर पटकी हुई गेंद दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर शरीर की तरफ चढ़ती हुई है यहाँ पर इरफान पठान ने बल्ले को घुमाया है गेंद जारी है दोस्तों हवा में पीछे खिलाड़ी मौजूद है और आपको बता दें यहाँ पर प्ले डाउन प्ले डाउन हो गए दोस्तों इरफान पठान यहाँ पर प्ले डाउन हो गए और जिसके कारण दोस्तों बता दें कि यहाँ पर विकेट हमें देखने को मिला है दोस्तों एक और विकेट हमें देखने को मिला है वो भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इरफान पठान का इरफान पठान का बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों विकेट था तो विकेट हमें देखने को मिला है इसी के साथ दोस्तों बता दें कि कैमरे गिरा पांच विकेट नौर की दोस्तों थमसी गई है और क्या मोहम्मद नबी क्या मोहम्मद नबी गेंदों में बाईस रन बना पाएंगे क्या मोहम्मद नबी वो काम कर पाएंगे दोस्तों पहले किसी ने नहीं किया आप छः गेंदों में बाईस रन टी टेन में क्या बना सकते हैं मोहम्मद नबी मोहम्मद नबी के पास दोस्तों काबिलियत है बहुत ही यहाँ पर अनुभवी बल्लेबाज हैं मगर यहाँ पर छ गेंदों में बाईस रन बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पर अगली बॉल लाने के लिए तैयार है सामना करा जाएगा दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर कलीम जन्नत दोस्तों यहाँ पर लास्ट के छः बॉल लाने के लिए तैयार हैं कलीम जन्नत दोस्तों आप अपने आखिरी ओवर में छब्बीस रन खाए थे आपको बता दें और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि कलीम जन्नत अपनी यहाँ पर लास्ट जो कि इस ओवर इस मैच के लास्ट के छह लाने के लिए तैयार है सामना करा जाएगा दोस्तों यहाँ से इरफान पठान के द्वारा इरफान पठान चार बोलो में दोस्तों पांच रन बनाकर खेलते हुए एक सौ तो पच्चीस के स्ट्राइक रेट से दोस्तों यहां पर लॉकी आ चुके हैं आखिरी बॉल खेलने के लिए हार आएगी और इसी के साथ दोस्तों बता रहे की टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों यहाँ से टीम का स्कोर दोस्तों हो चुका है यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ कि क्यानवे पर पाँच विकेट के नुकसान पर लगातार दो गेंदें डॉट हुई हैं अब दो गेंदें डॉट हुई तो आपको बता दें कि यहाँ से आपको यहाँ से आपको भाई इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि तीसरी बॉल पर हमें चौका देखने को जरूर मिला है मगर अब तीन गेंदों में तीन छक्के रन की आवश्यकता है क्या छक्के लगा पाएंगे मोहम्मद नबी ने गेंद हवा में है नीचे खिलाड़ी मौजूद है इसी के साथ दोस्तों बता दे की यहाँ पर विकेट आता हुआ यहाँ पर विकेट आया है दोस्तों मोहम्मद नबी का ग्यारह बॉल में दोस्तों सत्रह रन की आवश्यकता है कलीम जन्न ने दोस्तों यहाँ पर आपने जो खराब दोस्तों चल रहा था उसको पर सही करा है दो गेंद रन चाहिए दोस्तों कैप्टाउन की पकड़ में आ चुका है कैप्टाउन की पकड़ में आ चुका है इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक और लगातार दोस्तों दूसरी हार यहाँ पर सामने के खेवे में बहुत बड़ी दोस्तों यहाँ पर हार होती हुई अब कह सकते हैं दोस्तों कि दो बॉलों में अठारह रन की आवश्यकता है यहाँ पर और दोस्तों अठारह रन नहीं बना पाएंगे कोई भी दोस्तों यहाँ पर लोग दो गेंदों में अगर दो छक्के भी लग जाते हैं तभी दोस्तों अठारह रन नहीं बनेंगे और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों पचानवे पर मगर देखना होगा कि कितने रन से दोस्तों जीतने हैं यह देखना होगा कि कितने रन से यहाँ पर जीतते हैं यहाँ पर कलीम जो कि अगर कैप्टाउन की अगर मैं बात करता हूँ और आप लोगों को दोस्तों बता दें कि ये मैच यहाँ पर कैप्टान की टीम यहाँ पर बिल्कुल तरीके से जीत चुकी है मैच जो यहाँ पर फॉर्मेलिटी रह गई गे दो गेंदों की तो फॉर्मेलिटी अभी थोड़ी देर में आता हो जाएगी और इसी के साथ में इसी के साथ में दोस्तों दो गेंदों में अठारह रन की आवश्यकता है और यहाँ से आप देखेंगे जो फॉर्मेलिटी रह गई है वो दोस्तों फॉर्मेलिटी अदा करी जाएगी मगर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो भी लोग हमारे YouTube चैनल या दोस्तों यहाँ पर जो कि Facebook पेज पर देख रहे हैं वो दोस्तों जरूर से जरूर फॉलो करें अगर कमेंट्री अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को यहाँ पर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ में दोस्तों मोहम्मद नबी की जो तो पारी थी वो समाप्त हो चुकी है मगर इसके बाद दोस्तों जो मैच यहाँ पर शुरू होगा साढ़े आठ बजे वो भी हम आपके साथ लाइव आएंगे और लाइव आने के साथ दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ेगा उस मैच में उस मैच की जो कमेंट्री है वो भी हम आपके साथ लाइव करेंगे और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर करी गई है और इसी का दोस्तों बता दे कि यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों बता दे कि यहाँ पर अगर होवाट हिंदी केस माफी चाहूंगा दोस्तों होवाट हिंदी केस नहीं यहाँ पर हरारे हिंदी केस ने ये मैच ये मैच हो ये, ये मैच ये मैच ये दोस्तों बता दें कि हरारे ये मैच से चुकी है और इसी के साथ दोस्तों आपका को बहुत बहुत है इतना सारा प्यार देने के लिए और इसी के साथ दोस्तों जुड़ेंगे आपको नेक्स्ट मैच के साथ कहीं जाएगा नहीं दोस्तों नेक्स्ट मैच में हम आपके साथ आ जाएंगे लाइव और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट मैच के साथ तब तक जय हिंद दोस्तों